गुड इवनिंग सर। सर योर माइक इज म्यूट। ओके, जहाँ पे हमने स्टॉप किया था वहीं से हम शुरू करते हैं। हमारे लॉ सेक्शन से बाकी थे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? पहले हम वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद लॉ सेक्शन को हम थोड़ा कंप्लीट करेंगे, ताकि लॉ का अगर कोई भी एग्जांपल या कोई भी बुक का नंबर आपको बनाना हो तो आप इजीली उसको समझ ले और उसकी मेथड को समझ जाए। और उसके बाद अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम लिंग्विस्टिक्स में देखेंगे। पहले मैं सर तो आज डीडीसी से, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे क्या कि हाँ जो, पास। हाँ, जो दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके सर। सर जो है गुड सो, गुड इवनिंग सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, कौन सा सर एग्जांपल हमारा लास्ट में, कौन सा एग्जांपल बाकी था लास्ट टाइम? सारा हो गया था। सर आप आपने एक लेबर लॉ वाला दिया था, लेबर हाँ, लॉ लॉ इन वाले इटली, बाकी थे ना कुछ, लेबर लॉ, यस सर। यस सर लेबर लॉ इन मिल। इटली, लेबर हाँ लॉ इन इटली। ओके, क्या नंबर बना इसका? सर इसका मेरा बना है 365। 365। यस सर लॉ 365 में कैसे चला गया? हाँ सर चलिए एक बार बताइए। चेक कर हाँ, लीजिएगा। 365.320 0.320 908 908 991 991 419। 419। बहुत बड़ा नंबर था। सर यस मेरा सर। भी हाँ बोलिए। और 341 341 45 45 026 026। और एक दूसरा, सर एक मेरा दूसरा नंबर को बना है चेंज मेरा। करना हाँ है। बोलिए, एक मिनट एक मिनट। हाँ बोलिए। एक दूसरा बना है, स्टार्टिंग का 3 नंबर वही है, 341। स्टार्टिंग के नंबर वही है, 341। 341 हाँ, पॉइंट 0.02645। 02645। हाँ ओके, सर अभी मेरा है अगला थ्री फोर कौन सा? फोर फोर 344 पॉइंट 01 01 0945 0945। सर 09। सर मैं बोलू, हाँ मैं भी बोलिए बोलू, थ्री बोलिए, एक फोर एक करके। फोर 344। 44.4501। सर मेरा है 344.01। 01 0.26 026 45। 45। ओके, और सर कोई? सर पहला हाँ बोलिए आप। वाला हटा दीजिए, मेरा वो गलत है। वो ये वाला नंबर है, मैं गलती से दूसरा नंबर हाँ बोल दी। थ्री बोलिए बोलिए। फोर फोर पॉइंट 344। 045 01 ये है सर मेरा नंबर। सर मेरा हाँ बोलिए। 344 344 पॉइंट 026 026 45 45 01। 01 3 सर एक और 344 4 4 पॉइंट 01 0 1 026 0 2 6 45। 4 5। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। वो वेटिंग रूम में बच्चे कुछ वेट, अमन अमन है ये। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा अभी कोई, रुकिए, कोई नहीं दिखाई दे रहा मुझे वेटिंग रूम में। हेलो सर। हाँ, थ्री सर मेरा नंबर बताएं 344 फोर फोर 0.087 जीरो एट सेवन 945। 945। बहुत सारे नंबर बनाए आपने। और है कोई? यस सर। सर थ्री फोर थ्री फोर 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 पॉइंट 45 पॉइंट 45 013। 013। यस सर। बहुत सारे नंबर यानी बहुत सारा कंफ्यूजन। सर एक और नंबर है 341। थ्री फोर वन 341।
763 763 763 Yes, sir. 763 026 026 45 45 और कोई बस आ गया इतने में सर बहुत सारे नंबर मतलब बहुत सारी क्रिएटिविटी अभी आपको देखने को बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं है यहाँ पे कंफ्यूजन है बट सर आपको ऐसे बोल के अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा कि हम कुछ भी करके नंबर बना रहे हैं कहीं भी कुछ भी करके नंबर बना ही रहे हैं ठीक है यस सर एटलीस्ट हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं सर भले ही गलत हो सही हो अब हाँ वो देखिए दैट इज गुड अगर गलत देखिए गलत है ना सही की पहली सीढ़ी है यस सर सर मेरा एडिशन नंबर 21 से बनाया था मैंने ये देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक्चुअली मेन क्लास दो मेन क्लास आ रही है 341 और एक 344 सबसे पहले मेन क्लास चेक करते हैं कि मेन क्लास कौन सी सही है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 340 और 341 341 इज इंटरनेशनल लॉ और उसमें क्या बनाया है 341.45 341.45 इज आई सीज ओके अगर ये 026 काउंट करे 026 क्या 026 Treaties and cases. 341 में तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है 341 से किसने बनाया ये सर मेरा सर 763 में था लेबर नहीं रुके एक मिनट में ये चेक कर रहा हूँ ये कैसे बनाया है 341 के बाद ये किसका है 341.20 2645 ये सर मेरा है हाँ तो कैसे है विश्वेंद्र कहाँ क्या मिस्टेक हुई है देखिए फर्स्ट तो ये है कि चलिए यहाँ पे अगर मिल भी जाता मुझे तो ऐसे दिख ही नहीं रहा है अगर मिल भी जाता ना तो वो सही नहीं होता क्योंकि वो इंटरनेशनल ये 341 क्या है इंटरनेशनल लॉ तो इटाली है मतलब वो इंटरनेशनल लॉ नहीं हुआ वो किसी एक पर्टिकुलर देश का लॉ हुआ ठीक है इंटरनेशनल लॉ का मतलब हमें इंटरनेशनल इसलिए लग रहा है कि हमारे देश से बाहर है इसलिए वो इंटरनेशनल हो गया ठीक है अगर किसी को मिल भी गया हो तो ठीक है लेकिन वो इंटरनेशनल नहीं है वो पर्सनल लॉ है किसी एक कंट्री का लॉ है इंटरनेशनल लॉ वो होते हैं जो एक से ज्यादा देशों में एप्लीकेबल होते हैं ठीक है अगर इंटरनेशनल पेटेंट जैसे बहुत सारे लॉ ऐसे होते हैं जो एक देश के भी होते हैं जैसे भारत का भी होगा लेबर लॉ और हो सकता है इंटरनेशनल लेबर लॉ भी हो इंटरनेशनल लेवल पे लेबर लॉ है या नहीं मुझे नहीं आइडिया नहीं होना चाहिए क्योंकि वो प्रत्येक हर कंट्री का अपना वो होता है ठीक है लेकिन कुछ लॉज ऐसे होते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के लॉज होते हैं जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है तो वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं ठीक है अलग अलग देशों के बीच में ट्रीटीज होती है वो इंटरनेशनल लॉ होती है ना तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल लॉ होती है जो एक से ज्यादा देशों पे बाइंडिंग होती है लेकिन जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का होता है वो इंटरनेशनल लॉ नहीं होता जैसे ये जैसे कि यहाँ पे है इटाली तो वो इटाली का लॉ है लेबर लॉ इन इंडिया भी हो सकता है लेबर लॉ इन पाकिस्तान भी हो सकता है लेबर लॉ इन यूके भी हो सकता है अमेरिका भी हो सकता है कनाडा भी हो सकता है ब्राजील भी हो सकता है कोई भी देश हो सकता है तो अगर कोई भी देश है किसी भी देश का नाम है तो वो इंटरनेशनल लॉ नहीं है ठीक है तो यहाँ पे आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होइए कि कहीं भी अगर अगर उसमें इंटरनेशनल लॉ लिखा है तभी वो इंटरनेशनल लॉ है ना ठीक है किसी भी देश का नाम लिखा है मतलब वो इंटरनेशनल लॉ नहीं है तो 341 जो है वो सही नहीं है उसके बाद हम रहा 344 हम 344 देखते हैं 344
ओके 3-4-4 इज सोशल लॉ, जो सोसाइटी से रिलेटेड होता है. ठीक है, अब यहाँ पर जो 0-1 है वो है लेबर, यानी ये लेबर लॉ हुआ. ठीक है, अब 3-4-4.01 ये लेबर लॉ का नंबर है, लेकिन हमारा लॉ के नंबर बनाने का जो ट्रीटमेंट है वो मैंने आपको बताया था कि हमारा बेस नंबर होगा. सबसे पहले क्या होगा, बेस नंबर जो होगा 34, उसके बाद होगा ब्रांच. इस केस में ब्रांच है 4 सोशल लॉ. ठीक है, उसके बाद होगा कंट्री, कंट्री है इटाली, तो इटाली का हमें नंबर ढूंढना है. ठीक है, वो 5 में है. हाँ, वो टेबल 2 में होगा. ठीक है, और उसके बाद ना होगा सब डिवीजन. यहाँ पे सब डिवीजन है 0-1. ठीक है, ओके, 0-1. हाँ, तो अब सबसे पहले हम इटाली का नंबर देख लेते हैं कि इटाली का स्टार मार्क सर जो लेबर में स्टार मार्क जो है वहां पे ये लिखा है कि जो लेबर लॉ की जो कैटेगरी है, लेबर की कैटेगरी है, वो अगर आपको ढूंढना है, ठीक है, तो आप उसके और सब डिविजन्स में देख सकते हो जो इकोनॉमिक्स में होता है. एक मिनट में आपको दिखाता हूँ. ठीक है, यहाँ पे लिखा 8 to base number 3-4-4-0-1 द नंबर फॉलोइंग 331 इन 331.1 to 331.8. यानी लेबर लॉ किस तरह का लेबर, अगर वो भी स्पेसिफाई किया हुआ हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है. ठीक है, वो नहीं बोल रही सर. अगर चाहे नीचे सर दे रखा है ना, 8 to base number 0 उसका इंस्ट्रक्शन. हाँ, ये स्टार मार्क का बोल रहे हो आप, है ना? यस सर, यस सर. तो स्टार मार्क एड एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड्स एज 0 to 6. ठीक है, अगर एक्सटेंडेड कुछ आपको एड करना है जो अभी हमें नहीं मिला है, तो वो आप 0 to 6 कहाँ पे है, 0 to 6 3-4-2 to 3-4-7 3-4-2 to 3-4-7 में से आप 0 to 6 जो है एक्सटेंशन, उसको आप यूज कर सकते हो. यही ये कह रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वहां पे हमें उसे यूज करना है, क्योंकि ऐसा कोई एक्सटेंशन हमें यूज करना ही नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लॉ की कुछ अगर एक्सटेंशंस हैं, अब केवल हमारा तो लॉ है, अब उसके अंदर कोई बिल है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो. यहाँ पे अगर उसके रेगुलेशंस कुछ हैं स्पेसिफिक, तो आप उसको ऐड कर सकते हो. कोई पर्टिकुलर लॉ है, ठीक है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो. अगर उसके केसेस हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन केवल लॉ है तो वो बहुत जनरलाइज्ड हो गया. तो जनरलाइज्ड जब हो गया तो फिर हमें यहाँ पे 2-6 यूज नहीं करना है, अगर वो जनरलाइज्ड है. ठीक है, तो हमारा बिल्कुल जनरलाइज्ड है लेबर लॉ इन इटाली, कुछ और स्पेसिफिक नहीं है वहां पे. ठीक है, और लेबर लॉ में एक लॉ नहीं आते, बहुत सारे अलग अलग तरह के लॉ हो सकते हैं. ठीक है, ना वो बिल है, ना कुछ है, क्या है हमें नहीं पता, केवल लेबर लॉ लिखे हुए. ठीक है, लेबर कोड्स इन इटाली होता तो आप यहाँ पे ये वाला ऐड कर देते. ठीक है, 0-6 ऐड करते अगर कोर्स होता, अगर प्रोसीजर्स होता. ठीक है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, केवल सिंप्लीफाई किया हुआ लॉ है, तो ये इसका हमें यूज नहीं करना है, हमें केवल ये वाली चीजें यूज करनी है. ठीक है, अब इसमें जो मिसिंग है वो है इटाली, तो इटाली का नंबर हमें ढूंढना. ठीक है, तो इटाली कहाँ पे आता है, इटाली कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप. ठीक है, यूरोप का नंबर पता है? आई थिंक सर ये 4-5-0-4-5 यूरोप का नंबर 4 है. यूरोप है 4. ठीक है, और इटाली उसके अंदर है, तो उसके अंदर कहीं होगा ये 4-5. ओके, 4-5 इज इटाली. ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपली
जो कंट्री का नाम आ गया वो कंट्री का जो नंबर है वो यहाँ पे 4-5 आ जाएगा। ओके तो आपका नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, थ्री फोर फोर पॉइंट 4501। सर 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 जीरो तो उन्होंने बोला है ना कि जब भी आप टेबल यूज करते हो तो आपको जीरो यूज करना है। हाँ कौन सी टेबल यूज करते हैं तो सर, जब भी हम कोई भी टेबल चाहे वन हो या टू हो तो जैसे कहाँ पढ़ा आपने ये सर, मतलब आप बताए थे ना ये चीज कि टेबल वन का बताया था मैंने, ये कहा था टेबल वन जब हम यूज कर रहे हैं और वहां पे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है ठीक है कि कितने जीरो यूज करना है तो हम एक जीरो यूज करेंगे टेबल वन के लिए। लेकिन जहां पे हमें डायरेक्ट टेबल टू को यूज करने का एक्सटेंशन दिया हुआ है तो फिर हम टेबल टू के जो जीरोस अगर वहां पे है तो यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे इटाली में कोई जीरो नहीं लिखा हुआ नहीं है तो हम नहीं यूज करेंगे, सीधा 4-5 यूज करेंगे। सर लेकिन लेबर लॉ में तो था ना एक जीरो, जीरो वन है ना वो तो। हाँ तो जीरो वन तो ये रहा ना, जीरो वन ये रहा ऐड किया है हमने। नहीं नहीं सर आप नहीं समझ रहे, मैं वो क्या पूछना चाह रही थी, आप जीरो वो वाला वो देखिए वो एक्सटेंशन वाली बात है, वो मैंने क्या कहा वो अगर जीरो वन तब दिया हुआ हो जब वहाँ पे हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी टेबल वन का एक्सटेंशन लिया हो। ओके सर ठीक है, वो टेबल वन का एक्सटेंशन नहीं है, लेबर लो जीरो वन, जीरो वन टेबल वन के अंदर फिलोसॉफी एंड थियरी नहीं होते, फिलोसॉफी एंड थियरी नहीं है वो लेबर लो लिखा है। ओके सर तो वन जहां भी किसी भी सब्जेक्ट के सम डिवीजन में वन दिखा और उसमें दो जीरो या एक जीरो है तो वो हमें हम सीधा किसी भी टेबल में वो एड नहीं कर सकते। ओके सर, ये जैसे मैंने जीरो जोड़ दिया तो कितना नंबर मिलेगा, अगर मान लीजिए मैं यही गलती अगर पेपर में करके आती तो आपका है ना फोर्थ, यानी आपका हाफ हो जाएगा, हाफ से भी कम हो जाएगा क्योंकि आपने फोर्थ डिजिट पे मिस्टेक किया, आपका केवल मेन क्लास सही है। ओके सर, ओके सर, मेरा ये पूरा सही सर। टेबल टू को यूज करने का इंस्ट्रक्शन कहाँ दिया है? टेबल टू को यूज करने का इंस्ट्रक्शन ये 3-4-0 जहाँ था ना वहां पे दिया हुआ है, देखो मैं बताता हूँ पूरा रूल दिया हुआ। अब आप और कोई लॉ का एग्जाम्पल हमारा बाकी है? ठीक है ठीक है, उसको भी सॉल्व कर प्रॉपर्टी लॉ इन श्रीलंका है सर। हाँ हाँ वही है वही। ठीक है ये लिख लीजिए, ये लिख लिया ना आपने, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। एक सेकंड सर, नोट कर लीजिए राइट जो करेक्ट आंसर है प्लीज सर। हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रही थी ये मेरा वो था तो ये मेरा सही हुआ। सर मेरा बस जीरो नहीं लगता तो मेरा भी सही आया था। गुड गुड ठीक है, ठीक है ना। तो जीरो वाला आपका कंफ्यूजन दूर कीजिए, बहुत जरूरी है क्योंकि आपका जो कंफ्यूजन है ना वो आपको हर जगह प्रॉब्लम में डालेगा। यस सर ट्राई तो कर रहे हैं बट बस क्लियर हो जाए नहीं। हाँ है ना। सर ये लेबर लॉ इन इटली, हाँ यही है ना, तो बेस नंबर मींस की लॉ आ गया। हाँ लॉ लिया उसके बाद लेबर लिया ब्रांच, लॉ लिया उसके बाद 4-3-4-4 यानी सोशल लॉ लिया। ओके सोशल लॉ लिया। हाँ क्योंकि लेबर लॉ सोशल लॉ के अंदर में है तो आपका जो रुके मैं एनालिसिस बताता हूँ आपको। 300 सोशल साइंस, 340 लॉ, 340.45 इटाली फ्रॉम टेबल टू। ठीक है यहाँ पे ये या फिर ये यहाँ पे लिख सकते हो एज पर इंस्ट्रक्शन 8-340। ठीक है 340 में जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम टेबल टू में जाके हमने ये लिया, उसके बाद 340.4501 वो हुआ लेबर लॉ। सर हम 340 क्यों ले रहे हैं? 344 है ना मेन क्लास तो। हाँ लॉ है ना आपके 344 ठीक है ना।
तो ये 344 यहाँ पे एक मिस है हमारा 34 सोशल लॉ, ठीक है। तो इस तरह सर, से आपका मतलब इसे पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, इसमें सिंथेसिस वाला कौन सा होगा सर स्टेप? ये सारा सिंथेसिस अगर इसका देखो इस तरह से आपका आएगा, आपको अगर उस तरह से करना है ना, थ्री यहाँ पे प्लस का साइन डाल दीजिए, यहाँ पे भी आप है ना प्लस डाल दीजिए, यहाँ पे भी आप प्लस डाल दीजिए, ठीक है, फिर यहाँ पे फुल नंबर डाल दीजिए। ओके सर, सर तो क्या ये जो 4-5 मतलब जैसे कि हमको सभी टेबल टू में हमको 45 जो है ये हमको जो क्या कहते हैं इटली में मिला है सर, तो 45 के आगे अगर आप देखेंगे तो आपको वो दिखाई देगा, 45 के आगे एक क्या कहते हैं वो लाइन वाला मार्क रहता है, फिर 45 रहता है, आप जाएंगे तो आपको दिखेगा। हाँ. तो क्या वो भी तो क्या मतलब इस 4-5 के आगे जब भी हम लिखेंगे तो उस 4-5 के आगे हमको वो क्या कहते हैं लाइन लगाना जरूरी है सर? नहीं नहीं, लाइन का उस लाइन का मतलब है कि वो 4-5 अकेला यूज नहीं हो सकता है, उसके आगे कुछ ना कुछ नंबर होगा, जैसे हमारे पास यहाँ 344 है, हाँ ठीक है, वो डैश का मतलब होता है आपका बेस नंबर जिसमें वो एड हो रहा है। अच्छा ठीक है, डैश कहीं भी यूज नहीं होता है पूरा डीडीसी में। हम नहीं नहीं हम ये जो क्या कहते हैं सिंथेसिस या फिर क्या कहते हैं सिनॉप्सिस कर रहे हैं हम इसको, तो तब लगाना जरूरी होता है सर? नहीं 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 नहीं, एनालिसिस में भी लगाना जरूरी नहीं है, केवल आप लिख देंगे यहाँ कि आपने 4-5 कहाँ से लिया, या तो आप है ना ये इसके प्लस करके लिखिए या फिर केवल 4-5 लिखिए, इटाली से टेबल इटाली लिया है टेबल टू से एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन एट 340। अच्छा ठीक है, ठीक इस तरह से तो डैश लगाने की जरूरत नहीं है। किडनैपिंग लॉ इन बांग्लादेश का क्या होगा सर? वो मैंने बताया था ना लास्ट क्लास, सॉरी सर लेट हो गया, वो इंस्ट्रक्शन बिना यूज किए हम लेबर ले सकते हैं ऐसे? लेबर तो 344 का सब डिवीजन है, वहां पे इंस्ट्रक्शन की क्या जरूरत है? ओके सर, जो 344 लिया है ना हमने, देखिए उसका यानी टेबल्स को हम बिना इंस्ट्रक्शन के यूज नहीं कर सकते, ये 344 है और 01 जो है वो 344 का सब डिवीजन है, ठीक है सर। अगर किसी कंट्री का ना हो, अगर किसी कंट्री का ना हो ठीक है, और केवल बुक का नाम है लेबर लॉज, तो आप क्या बनाओगे? 344.01 ही बनेगा उसका सीधा सीधा 344.01, क्योंकि किसी कंट्री का नाम तो है ही नहीं। यस सर, है ना, तो वो 01 लेने के लिए फिर हमें किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, वो उसका सब डिवीजन है। ओके सर, मुझे 344.01 के बाद 45 डाल सकते हैं ना? कुछ नहीं 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 नहीं, उसके बाद 45 नहीं डालना है, कंट्री का नाम डालना है तो आपको पहले ही डालना है 344 के बाद में। अरे डेसिमल के बाद कंट्री नाम डालना है सर? हां, डेसिमल के बाद कंट्री का नंबर डालना है, बाद ही होगा उसका रीजन मैं बताता हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर, इसको मैं पहले वो हटा देता हूँ, है ना? ओके, देखिए अब हम जाते। हेलो सर, मुझे एक प्रॉब्लम। हाँ बोलिए। लेबर लॉ है ना तो 344.01, ठीक है, और इटली का आप बोल रहे हैं ये 4-5, तो इसके सामने फिर आपने बताया अभी कि 340.45 लिखेंगे, 344.45। हाँ, 344.45, तो ये फिर 01 इसके पीछे क्यों चला गया 4-5 के बाद? अब रुकिए, अब है ना, अब सभी क्वेश्चन का आंसर है ना ये वाला पैराग्राफ दे रहा है आपको, लेबर लॉ के जो भी नंबर बनाने हैं वो इस रूल के अकॉर्डिंग बनेंगे, ठीक है, इसको आप लिख लो इसी लैंग्वेज में लिख लो, या फिर रुकिए वो आपने डिलीट कर दिया सर जो आपने भी बनाया।
तो चला गया। हाँ वो तो मैंने डिलीट कर दिया है, ये वाला नहीं, ठीक है ये वाला आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा, जो आपने लॉ बताया था उसकी फोटो है मेरे पास। मेरे पास भी है सर फोटो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लॉ के अंदर चार कंपोनेंट है, चार कंपोनेंट को मिला के लॉ का नंबर बनेगा, लॉ किसी भी बुक का, ठीक है, चार कंपोनेंट। पहला लॉ का बेस नंबर, दूसरा लॉ की ब्रांच, तीसरा उसकी सब ब्रांच, और चौथा वो लॉ, क्योंकि हर देश का अलग अलग होता है तो मैक्सिमम जो लॉ की बुक होगी वहां पे देश का नाम होगा। इन चार चीजों के अलावा कोई भी और कंपोनेंट लॉ के नंबर लॉ की बुक में नहीं होगा, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे हो जहां पे हो भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये चार कंपोनेंट ही होते हैं। बेस नंबर होगा, उसकी ब्रांच होगी, उसका सब डिविजन होगा, और उस देश का नाम होगा जहां का वो लॉ है। अब इन चार चीजों को अरेंज कैसे करना है, तो पहली चीज है फर्स्ट कंपोनेंट होगा बेस नंबर, जो कि फिक्स है 3-4 ही रहेगा, ठीक है। 340 लॉ का नंबर है तो 3-4 उसका बेस नंबर है और वो फिक्स है, कोई भी नंबर आ जाए। उसके बाद जो कंपोनेंट लगेगा वो है 2, ठीक है, यहाँ पे दिखा है ना सेकेंड वाला कॉम्पोनेंट, जो ये वाला है सेकेंड वाला कॉम्पोनेंट, ठीक है। सेकेंड वाला कॉम्पोनेंट क्या रहा है, कह रहा है नोटेशन फॉर ब्रांच ऑफ लॉ। तो नोटेशन कौन सी हो सकती है ब्रांच ऑफ लॉ के लिए, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और वहां से लेके 8 तक कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 3-4 के बाद आप कुछ भी लगाइए, जो भी ब्रांच का वो नंबर है। जैसे अभी हमने लेबर लॉ का बनाया तो लेबर लॉ 3-4-4 में है, तो हमारा ब्रांच हुआ 4 सोशल लॉ। तो हमने यहाँ पे 3-4 हमारा मेन क्लास हुआ यानी बेस नंबर हुआ, फिर हमारा जो ब्रांच हुआ वो क्या हुआ, वो 4 हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा थर्ड कंपोनेंट यहाँ पे क्या दिया है, 4 वाला, फोर्थ जो कंपोनेंट सॉरी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चीज है जो हमें ऐड करनी है वो हमारा फोर्थ कंपोनेंट है, एरिया, ठीक है। थर्ड नंबर पे है फोर्थ कंपोनेंट, फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट कंपोनेंट है, सेकेंड नंबर पे सेकेंड कंपोनेंट है, थर्ड नंबर पे फोर्थ कंपोनेंट। फोर्थ कंपोनेंट क्या है, एरिया, तो हमें एरिया का नंबर ऐड करना है, जो भी एरिया हो। तो हमारा एरिया क्या है, इटाली, इटाली का नंबर क्या था, 4-5, ठीक है। और फोर्थ कंपोनेंट कौन सा है, तीसरा वाला, थर्ड वाला, जो थर्ड वाला है ये वाला, ये हमारा फोर्थ कंपोनेंट है, यानी सबसे लास्ट में जाएगा। फोर्थ कंपोनेंट क्या है, उसका जो ये 3-4-4 है उसका सब डिविजन। तो सब लॉ जो लेबर लॉ है वो 3-4-4 का सब डिविजन है, तो लेबर लॉ के लिए क्या नंबर था, 0-1 नंबर था। तो यहाँ पे ये फोर्थ कंपोनेंट आ जाएगा लेबर लॉ, जो 0-1, ठीक है। तो ये हमारा नंबर बन जाएगा। अब इसको आप लिखोगे पूरा तो 3-4-4, और किसी ने कहा था कि 3 डिजिट के बाद डॉट लगाने के बाद कंट्री का नंबर ही लिखना है, ठीक है। तो यस, वो 3 डिजिट के बाद कंट्री का नंबर ही लिखना है, क्यों, क्योंकि आपका थर्ड डिजिट एक डिजिट वाला ही ब्रांच है। तो 3-4 लिखोगे उसके बाद कोई भी ब्रांच लिखिए तो आपका 3 डिजिट ही आएगा। तो 3 डिजिट के बाद आपको सीधा कंट्री का नंबर लिखना है। 4-5 हमने कंट्री का नंबर लिख दिया, और लेबर लॉ का नंबर है वो 0-1, जो उसकी सब डिविजन है सोशल लॉ का। तो ये 4-5-0-1, तो ये हमारा नंबर बन गया। थैंक यू सर। आगे क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन है अभी भी? नहीं सर, ठीक है। लॉ का कंफ्यूजन नहीं है, एक ब्लैंक पेज पे, सॉरी एक ब्लैंक पेज पे पूरा लिख लीजिए कि लॉ के नंबर बनाने का तरीका, ठीक है। पहला उसके अंदर चार कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 बेस नंबर जो कि फिक्स है 3-4, दूसरा ब्रांच ऑफ लॉ जो कि 2 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकता है, तीसरा लॉ की सब डिविजन, जो जो भी ब्रांच है उसके जो सब डिविजन है वो उसके सब डिविजन होंगे, ठीक है। और चौथा जो है वो एरिया नोट, एरिया नोट हमें टेबल 2 से लेना है बिना कोई जीरो वीरो लगाए, ठीक है। अब इन चारों कंपोनेंट को अरेंज कैसे करेंगे, तो अरेंज करेंगे तो सबसे पहले बेस नंबर आएगा जो कि 3-4 है, उसके बाद सेकेंड वाला ही आएगा मतलब वो उसकी ब्रांच आएगी, थर्ड में जो है वो फोर्थ वाला आएगा, फोर्थ वाला मतलब एरिया नोटेशन, तो जो एरिया टेबल से हम जो भी देश का नाम है वो ले लेंगे, और उसके बाद जो चौथे वाले में आएगा वो थर्ड वाला आएगा। तो थर्ड वाला क्या है, सब डिविजन,
जो भी आपका ब्रांच आया है, ठीक है, जो भी ब्रांच आया है उस ब्रांच के अंदर जाके आपको अपना सब डिविजन ढूंढना है, उसको आप फोर्थ वाले में लिख लेंगे, ठीक है। इसको बहुत क्लियरली आपको जिस तरह से समझ में आता है अपनी भाषा में लिख लीजिए। अगर ये आप अच्छे से समझ गए तो लॉ का कोई भी नंबर आए, कैसी भी बुक का नंबर आए, आप बना लोगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा। बोलिए 340 लो है तो वहां से हमारा नंबर कौन से कंडीशन में बन सकता है? वहां पर जनरली फिलोसॉफी ऑफ लो आ गया, डिक्शनरी ऑफ लो आ गया, ओके, ठीक है, लॉ इन इंडिया आ गया, केवल लॉ इन इंडिया, कौन सा लॉ है क्या है कुछ नहीं पता चल रहा, मतलब जहाँ पे लॉ की कोई ब्रांचेस की बात नहीं है वहां पे हम 340 डायरेक्टली। यस, और 341 जो है वो इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है सर। एक्सक्यूज मी, हाँ सर, ये बेस नंबर ब्रांच कोड सब डिवीजन के बाद क्या बताया थे सर? सब डिवीजन के बाद सर कौन सा, यानी 3-4 जो है वो बेस नंबर है, 4 है ब्रांच है, ब्रांच के बाद जो है वो है कंट्री का नंबर, और उसके बाद सब डिवीजन, उस ब्रांच का सब के बाद है सर सब डिवीजन। हाँ, कंट्री के बाद ही आएगा सब डिवीजन, सबसे लास्ट में आएगा जी सर। हाँ सर, मैं स्टार्टिंग की 10 मिनट क्लास नहीं ले पाई तो सर मेरे को पता, ब्रांच कौन सा है सर? 01 ब्रांच है। देखिए लॉ का नंबर कैसे बनाना है वो अभी मैंने बताना शुरू किया है। मैं फर्स्ट 10 मिनट्स में तो हम लोग वो एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे जो शायद आपके ज्वाइन होने के बाद भी चल रहा था, जो कि था लेबर लॉ इन, यही वाला वो एग्जांपल भी यही वाला है सर। सर अगर ला हो तो टाइटल में ला हो तो देन दिस प्रेफरेंस, आई एम नॉट गेटिंग, टाइटल में ला हो तो दिस प्रेफरेंस वी शुड फॉलो सर। विच लॉ? टाइटल में लॉ है तो, हाँ टाइटल में लॉ है तो वी हैव टू फॉलो दिस प्रेफरेंस, प्रेफरेंस ऑर्डर। यस 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 यस, टाइटल में लॉ है तो प्रेफरेंस तो आएगा, लॉ है तो तभी हमें पता चलेगा कि वी हैव टू गो टू मेन क्लास लॉ। ओके ओके, अदरवाइज इफ इट इज लेबर्स इन इटली देन वी विल गो टू इकोनॉमिक्स, विल नॉट गो टू लॉ। ओके कौन सा 3-4 के बाद जो 4 है वो ये सोशल लॉ के लिए लिया है, सोशल लॉ इज 4, 3-4-4, 3-4-4, 4 इज सोशल लॉ, ठीक है, और सोशल लॉ का सब डिविजन है 01, 3-4-4.01, 01 इज लेबर लॉ। सर मुझे इनकी रूल नहीं पता लगी है कैसे बना, क्या नहीं पता लगा आपको सर? आपने आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मीना आज। सर मुझे इटली नहीं मिल रहा, इटली का नंबर लिखा है ना, इटली कहाँ, यूरोप में है, यूरोप का नंबर है 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑलरेडी इटली का नंबर 4-5, तो आप 4 में जाके देखिए, 4 में 4-5 देखिए, अब तो नंबर बन चुका है तो इजी होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ भरत सर, जैसे 3-4-4 तक मैं आ गया, ठीक है, वहां से मुझे इंस्ट्रक्शन मिल गया कि टेबल 2 से लाइक, क्योंकि बिना इंस्ट्रक्शन के हम जा नहीं सकते एरिया में, है ना, वहां तो वहां 3-4-4 में आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिला है, ठीक है, 3-4-0 में यहाँ पे लॉ के नंबर कैसे बनाने वो लिखा हुआ है। नो नो, ये सीक्वेंस ठीक है, मतलब ये जो क्योंकि एरिया नोटेशन उठाने के लिए मुझे एक इंस्ट्रक्शन जाना होगा ना टेबल 2 में जाने के लिए, तो जैसे मान लीजिए वो इंस्ट्रक्शन यही है, वहाँ पे नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे आप उस इंस्ट्रक्शन को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, वो इंस्ट्रक्शन यही पर एक कॉमन है, और ये कॉमन किसके लिए है, 3-4-2-2-8, 3-4-2-2-3-4-8 के लिए कॉमन है, 3-4-2-2-3-4-8, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ओके, तो मतलब ये कि इसके लिए मेरे को वहां ढूंढने की जरूरत नहीं, यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि वहां ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे इसका पूरा मेथड दिया हुआ कि आपको इस तरह से बनाना है, और इंस्ट्रक्शन भी यहीं पर है, ठीक है ठीक है, तो ये पूरे ही लॉ में इम्प्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि हाँ ये पूरा लॉ में 340-341 को छोड़ के सब जगह इम्प्लाई होता है। ओके सर, थैंक यू। 340 है वो जनरल लॉ है,
without any reference to any country or any branch, or 341 is international law, जो किसी particular country में applicable नहीं होता, वो more than one country में applicable होता है, तो किसी एक country का वहाँ पे reference आता ही नहीं है। ठीक है सर, thank you। ठीक है उसमें सर। हाँ बोलिए। सर इन केस अगर चाइल्ड लेबर लॉज इन इटली होता तो सर क्या हम उसमें 0.026 ऐड करते? चाइल्ड लेबर लॉ तो चाइल्ड लेबर लॉ तो आपको चाइल्ड लेबर लॉ सीधा मिल जाता वहाँ पे सर वो नहीं 026 ऐड नहीं करते वहाँ पे चाइल्ड लेबर लॉ होता तो आप क्या करते आप वहाँ पे वो कर उसमें जाते इकोनॉमिक्स में उसका जो नेचर रेफरेंस दिया हुआ है ना 344 में एक देखिए यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है 344 में एक रेफरेंस दिया हुआ है कि आप इकोनॉमिक्स में जाइए और वहाँ पे कौन से टाइप कौन सा पर्टिकुलर लॉ है ठीक है उसको आप ले लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, सर 0.026 कब ऐड करते हैं एक एग्जांपल बता दीजिए ना। देखिए यहाँ पे है ये चाइल्ड लेबर लॉ है तो जैसे यहाँ पे है तो 01 के बाद आप 34 ऐड करोगे ये कहाँ से ऐड करोगे ये इकोनॉमिक्स में से यानी कि इकोनॉमिक्स में से ऐड करोगे अगर है कि चलिए अगर एग्जांपल है को क्लियर कर दीजिए चाइल्ड लेबर कोर्ट्स इन इटाली रखते चाइल्ड लेबर कोर्ट ये सब मैं हटा रहा हूँ एक मिनट क्लियर ऑल ड्राइंग एग्जांपल है चाइल्ड लेबर कोर्ट इन इटाली बनाइए इसका कितना जल्दी बना सब नंबर दिया हुआ है लेबर लॉ का भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ठीक है बाकी सब सर लेकिन इसमें तो चाइल्ड है ना तो चाइल्ड का भी नंबर लेना पड़ेगा क्या हाँ लेबर कोर्ट है ना चाइल्ड लेबर कोर्ट सर इसका ये होगा क्या 344.0264501 नहीं सर प्लीज बनाने दीजिए ना मतलब बना रहे हैं तो बनाइए सभी बनाइए और ऐसे बोलिए मत फिर शेयर करते हैं कितने टाइम है आपके पास 3 मिनट्स लीजिए 3 मिनट्स भी ज्यादा है क्योंकि सब नंबर रेडीमेड है अभी तो सर मेरा बन गया हाँ रखिए अभी एक्सक्यूज मी सर बोलिए सर मैं ये कह रही थी सर मेरे को समझ में नहीं आया कैसे बनाया आवाज आपकी नहीं आ रही मीना बहुत स्लो है आपकी आवाज या माइक के वॉल्यूम बढ़ाइए शायद अगर देखे कम तो नहीं है ना हाँ बोलिए हेलो हाँ बोलिए सर मैं ये कह रही थी कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया इस पर बोलिए मुझे आया नहीं सर ये कह रही है कि इनको कुछ भी नहीं समझ में आया कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर समझाएंगे और आपको आवाज आ रही है वो लेट भी ज्वाइन हुई थी स्टार्टिंग में मैंने सुना था थोड़ा सा जितना तो वो बोल रही है फिर समझाएंगे नो इशू सर मेरा भी बन गया ठीक है रखिए मीना देखिए ये जो है ना कोई भी मेन क्लास है ठीक है समझिए ये मेन क्लास है लॉ की 344 है या फिर 343 हो सकता है ठीक है यहाँ पे ये जो 34 है ये लॉ का सब डिविजन है यानी बेस है ठीक है और ये जो 4 है वो इसकी ब्रांच है तो अभी 4 क्या 4 का मतलब है सोशल लॉ ठीक है और उसके जो नीचे दिया हुआ है ये 01 02 021 ठीक है उससे लेके ये सारे हैं जो 041 049 या 09 तक सारे हैं
वो सारे इसके होते हैं सब डिविजन्स, ठीक है, ये सारे इसके सब डिविजन्स हैं, 01 से लेके 09 तक ये सारे सब डिविजन्स, ठीक है। तो 344 क्या हुआ, 34 हुआ बेस, 4 हुआ इसका ब्रांच, और फिर उस ब्रांच के अंदर उसके सब डिविजन है, सब डिविजन 01 से लेके 09 तक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, क्योंकि लॉ है तो किसी कंट्री का होगा, तो वो कंट्री यहाँ पे मिसिंग है, तो कंट्री हमें ऐड करना है। तो कंट्री जो होता है ना लॉ के अंदर, कंट्री हम लास्ट में ऐड नहीं करते हैं, कंट्री हम कहाँ पे ऐड करते हैं, कंट्री हम ऐड करते हैं थर्ड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, बेस, बेस, बेस क्या है 34, सेकंड नंबर पे क्या आता है ब्रांच, ब्रांच कोड, ठीक है, ब्रांच 2 से लेके 8 तक शायद, 2 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, या 8 तक है शायद, 228 या 229 जो भी, 8 तक है ना, 2 से लेके 8 तक, ठीक है, 228 कुछ भी हो सकता है ब्रांच। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको ऐड करना है कंट्री, ठीक है, कंट्री कहाँ से ऐड करोगे, टेबल 2 से, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको ऐड करना है सब डिवीजन, सब डिवीजन आप कौन सा ऐड करोगे, फ्रॉम ब्रांच, जो भी ब्रांच आपने ली है, अगर आपने 4 लिया है तो 4 में ऐड करो, 3 लिया है तो 3 में से ब्रांच ऐड करो, जो भी ब्रांच है वो आप ऐड करना है, ठीक है। और ब्रांच जो है वो जरूरी नहीं कि यहाँ पे दिया हुआ उतना ही हो। अब लेबर, यहाँ पे लेबर का, लेबर लॉ का क्या दिया हुआ है, 01। अब लेबर लॉ में भी चाइल्ड लेबर लॉ अगर बोल दिया है तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सब डिविजन लिखा है, एड टू बेस नंबर 344.01 द नंबर फॉलोइंग 331 इन 331.3 टू 331.8, और जहाँ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ भी है, ठीक है, चाइल्ड लेबर लॉ, चाइल्ड लेबर लॉ का नंबर क्या ऐड कर दिया यहाँ पे, 34 ऐड कर दिया लास्ट, तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर का मतलब क्या हुआ, चाइल्ड लेबर का नंबर हुआ 0134, ठीक है। तो आपका सब डिविजन यहाँ पे क्या होगा, 0134 होगा, क्लियर। और उसके बाद इस एग्जाम्पल में क्या है, कोर्ट है वो, तो कोर्ट का नंबर आपको कहाँ से लेना होगा, इस यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, स्टार मार्क को आपको फिर फॉलो करना पड़ेगा, स्टार मार्क में अगर आप जाओगे नीचे एब्स्ट्रैक्ट साइन, यहाँ पे क्या लिखा है, एड एक्सटेंडेड सब डिविजन, एक्सटेंडेड सब डिविजन टू 026 एज इंस्ट्रक्टेड अंडर 342 to 347। तो आप 342 to 347 में जाएंगे तो वहां पे आपको कोर्ट मिलेगा, तो कोर्ट का जो नंबर है वो आप इस नंबर में एड कर लो, तो आपका नंबर बन जाएगा। आया समझ में? हाँ सर, आर तो क्या, अब सर आंसर बताया जाए, हो गया 3 मिनट, ठीक है। क्या बनाया आप लोगों ने इसका नंबर, सबको एक एक करके बोलना भाई लोग। सर मैं बोलूं पहले? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर मेरा नंबर बना है 344.032 यस सर। 032 कहाँ से लिया है? 0945। ये रूल फॉलो किए आपने? यस सर मैंने फॉलो किया है ना। क्या लिखा है, सबसे पहले ब्रांच लेना है, बेस लेना है, बेस आपने लिया, ओके करेक्ट, 34, ठीक है। दूसरे नंबर पे लेना है ब्रांच, वो ब्रांच भी आपने लिए, ठीक है। थर्ड नंबर पे लेना है कंट्री, कंट्री का यहाँ पे 032 कौन सी कंट्री है सर? लीगल सिस्टम इन इटली को बोल रहे हैं 032। क्या लीगल सिस्टम इन इटली कहाँ से आ गया? थर्ड नंबर पे क्या लिखा है रूल्स में, कंट्री लेना है आपको। ओके, लगता उल्टा हो गया सर। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। 344 344.45 0134 0132 34 34 0134 हाँ सर, मेरा भी यही है,
बस इतना ही है, अब इसमें कोड तो आया नहीं, ये तो केवल चाय के लिए हो गया। सर सॉरी, मैंने कोड मिस कर दिया था, मैंने कोड नहीं सुना था, मैंने चाइल्ड लेबर इन इटली समझा था। 045 0 2 6 0 2 0 2 6 हाँ जी 0 1 3 4 क्या सर 0 1 3 4 सर मेरा लिखिए, ये देखिए ये 0 4 5 के बाद आप डायरेक्ट 0 2 6 नहीं ऐड कर सकते हैं। 0 2 6 का इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है, ये लेबर के साथ है सर, मेरा बना लीजिए। ठीक है तो ये जो 0 2 6 है ना वो इसके बाद लगेगा, डिवीजन में लगेगा सर। बोलिए, यस कोई बोल रहा था ना अपना नंबर सर 344 बोलिए आपका कौन सा है नंबर सर, वही पहला वाला था। हाँ तो पहले वाले में आपने 450 हाँ तो बस उसमें केवल आपका 026 यानी कोट बाकी है, कोट का नंबर 06। ठीक है कोड का नंबर आपका बाकी है और कुछ नहीं, सही है वो सर। मैंने कोड मिस ही कर दिया था, मुझे स्ट्राइक ही नहीं हुआ था कि कोड भी ढूंढना था, मैंने चाइल्ड लेबर इन सर। लेकिन कल आपने तो बोला था ना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सबका नंबर लिखना होगा, जैसे आपने कल एक तो बताया था एग्जांपल जब दिया था कि डिसीज एंड पेस्ट ऑफ द राइस क्रॉप, तो मैंने सभी लिया था, तो फिर आप तो जहाँ पे देखिए जहाँ पे मिक्स है वहाँ पे वहाँ की बात है ना, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है, आप एक बार ट्राई तो बनता है ना हमारा, जहाँ पे मिक्स होता है ना कि किसी पर्टिकुलर का नंबर नहीं मिल रहा है तो फिर हम मिक्स में लिखेंगे। अब यहाँ पे जब आप जाएंगे एज एक्सटेंडेड यहाँ पे लिखा है 0 2 6 3 4 2 2 3 4 7 में जाइए, यहाँ पे 3 सर और लेबर में क्या लिखा है मेरे को नहीं आ रहा समझ में सर, उसका इंस्ट्रक्शन लेबर सर, ये इंस्ट्रक्शन मैं हर रोज बताता हूँ और हर रोज आप बोलते हो कि मुझे समझ में आ गया, नहीं आ रहा, रोज बोलते हो कि आपको समझ में नहीं आया सर, मेरा डाउट है। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, पहले आप लिखना हो तो लिख लीजिए, ये वाला जो है ना वो करेक्ट आंसर है जो कि काफी सारा लिखा हुआ है, उसके बाद ये वाला करेक्ट है। ठीक है तो 026 के बाद हम कोड का नहीं लिखेंगे, 01 है वहां पर, कहां पे 01 है जब हम जा रहे हैं ना 347 में जहां से कोड का नंबर मिला है, तो 026 के बाद हम 0 कहां पे गए, 347 में कहां से कोड का नंबर मिल गया आपको, 347 से कोड का नंबर नहीं लिया हमने, कोड का नंबर लिया है 3422 347 में से, यहाँ से 342 जो कि कहीं भी हम विदाउट इंस्ट्रक्शन नहीं जा सकते, वहां पे इंस्ट्रक्शन है 3422 347 में जाने का, तो हम 3422 347 में आएंगे, यहाँ पे जहाँ पे 342 शुरू हो रहा है ना ये रहा। अब यहाँ पे देखिए ये कोर्ट्स का नंबर है, अच्छा हाँ सर मैं समझ गई, तो ये 026 हमने ऐड कर लिया, वो मैंने ये सोचा ना कि सर 342 से 347 में जो भी क्लास है उसमें ढूंढो मिलता नहीं, है फिर ऐड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 3422 ये जो कॉमन नंबर है 3422 347 में यूज हो सकते हैं। ओके सर ठीक है थैंक यू, है ना। अब सर एक्सक्यूज मी, हाँ बोलिए सर, ये जो 026 है ना सर, अगर हम टेबल वन में जाते हैं तो फिर इसमें दे रखा है ना कि एड एरियाज नोटेशन 1 to 9 फ्रॉम टेबल 2 to बेस नंबर 026। एग्जांपल में सर जैसे लॉ ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गया तो हम 02694, तो सर ऐसा नहीं है कि हम कंट्री के पहले एरिया के पहले 026 ऐड कर ले, नहीं सर इसमें ऐसा क्यों दे रखा है, वो इसलिए कि आपको यहाँ पे आने का इंस्ट्रक्शन ये यहाँ पे नहीं लिखा है ना, कंट्री के पहले आप कैसे ऐड कर सकते हो, कंट्री के पहले ऐड करने का मतलब है आपने 344 में सीधा ऐड कर दिया। ठीक है कंट्री के पहले 0 2 6 ऐड करने का मतलब है कि आपने उस 346 को सीधा 344 के बाद ऐड कर दिया। ठीक है अब यहाँ पे कहीं भी वो नहीं लिखा हुआ है,
ठीक है अभी जीरो कौन सा नंबर अगर आप यहाँ पे ये वाला यूज करोगे ना तो फिर आप जीरो वन में नहीं जा सकते फिर बाद में क्योंकि आप अपना नंबर यहाँ पे लिमिट कर रहे हो लेकिन आपका नंबर यहाँ पे लिमिट नहीं हो रहा आपका नंबर यहाँ पे आ रहा है जीरो टू सिक्स कोड का नंबर है जीरो टू सिक्स कोड का नंबर है ठीक है लेकिन आपका केवल सोशल लॉ है कोर्ट सोशल लॉ को सोशल कोर्ट इन इटली नहीं है आपका नंबर ठीक है तो सर उसको हम सर लास्ट में ही ऐड करेंगे हाँ वो लास्ट में ही ऐड होगा वो जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग ही ऐड होगा ना उसके बिना ऐड नहीं हो सकता वो नो सर एक्चुअली में जो लॉ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पहले ऐड कर रखा है ना तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था इसने पहले लॉ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सर ये जो नीचे लिखा है ना सर कि ऐड एक्सटेंडेड सब डिवीजन टेबल वन में गए तो टेबल वन में लिख रखा है टेबल वन में जाना ही नहीं है टेबल वन में क्यों गए सर स्टैंडर्ड सब डिवीजन जीरो टू सिक्स जीरो टू सिक्स टेबल वन से नहीं लिया है हमने हमने थ्री यहाँ से लिया है ये रहा सर आप स्टेप वाइज समझा दीजिए ऐसे कंफ्यूजन हो रही है डाउट से समझने में ये यहाँ से लिया है आप यानी कहीं भी मत जाइए मैं बता रहा हूँ ना वहाँ भी ये पीछे भी मैंने यही बताया आपको कि 3422 347 में जाना है यहाँ भी देखिए यही वाला इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था 3422 347 तो 3422 347 कहाँ पे है 342 जहाँ पे शुरू होता है वहाँ पे है 3422 347 वो कॉमन रूल्स है जो 342 से लेके 347 में एप्लीकेबल होते हैं ठीक है टेबल वन में नहीं जाना है टेबल वन में हमें जरूरत ही नहीं है ओके सर है ना टेबल वन में शायद 026 कोर्ट भी नहीं होगा सर कोर्ट तो है वैसे है वहां पे हाँ सर ठीक है तो हो सकता है उसी का सब्डिविजन हो लेकिन उसे हमें यूज नहीं करना है क्योंकि अगर आप वहां से कोर्ट लोगे तो आपको स्टैंडर्ड सब्डिविजन के लिए दो या तीन जीरो यूज करने होंगे सर इसमें इटली का नंबर कहाँ गया था रखा था तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था 026 लॉ हाँ 45 इटली का नंबर कहाँ गया है इसमें तो इटली का नंबर तो आपको टेबल टू में मिलेगा ना कंट्री का नंबर टेबल टू में मिलेगा इसमें तो लिखा नहीं मैंने इसमें अभी जो आपने बाद में बताई कि ये वाला ठीक है कौन सा यहाँ पे मैंने ये रूल बताया ना 340 के रूल मैंने रूल बताए वो आपको समझ में आया या नहीं आया हाँ वो तो आ गया हाँ तो फिर उसी में तो मैंने बताया 342 जो 340 वाले मैंने रूल बताया वो आपको समझ में आए या नहीं आए ये वाले हाँ, यहाँ पे जो मैंने समझाया था यहाँ पे ठीक है ये आपको समझ में आया यहाँ वाले रूल्स हाँ हाँ सर आगे समझ में पर मैंने लिखा हाँ सुतार के तो मैंने 45 नहीं लिखा था ना हाँ तो फिर देश कैसे नहीं मिला कंट्री ठीक है सर मिल गया यहाँ पे लॉ में लॉ में ध्यान रखिए कि कंट्री का नंबर ऐड करने के लिए हर नंबर पे अलग से नहीं लिखा होगा ये कॉमन रूल्स हैं लॉ के नंबर्स बनाने के लिए ठीक है बिल्कुल आंख बंद करके ये याद रखो कि सबसे पहले 3-4 आएगा फिर ब्रांच आएगा फिर कंट्री का नंबर आएगा और फिर उसका सब डिविजन आएगा और सब डिविजन के बाद कोई एब्स्ट्रैक्ट साइन है तो उसका एक्सटेंशन आएगा वो जैसे 2026 आया ठीक है नंबर बना 3-4-4 सर नेक्स्ट एग्जांपल सर इंस्ट्रक्शन हाँ बोलिए वैशाली हाँ बोलिए सर इंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा था समझ में लॉ वाले का जो आप बता रहे थे वो वाला नहीं सर कि किसमें क्या ऐड करना सर वो जो नीचे लिखा हुआ था ना ऐड बेस नंबर क्योंकि सर लास्ट टाइम ऐड 09 लिखा था ये मैंने आपको है ना सैटरडे भी मैंने ये सब बताया था फिर से एक बार बताता हूँ आप लिख लीजिए उसको पढ़ पढ़ के रिपीट रीड कीजिए क्योंकि ये कोई नया सब नया इंस्ट्रक्शन नहीं है ये इंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम हर रोज पढ़ रहे हैं सर लेकिन उसमें तो 09 लिखा था आज कुछ और लिखा है वो हर क्लास में अलग अलग हो जाएगा ना तो सर वैसे में कैसे समझ जाएगा अब मिर्ची जैसे है ना किचन में मिर्ची होती है ना अब बैंगन की सब्जी बनाओगे तो मिर्ची बैंगन में डालना है ना
और गिलकी की सब्जी बनाओगे तो मिर्ची गिलकी में डालोगे है ना, तो एक दिन गिलकी की सब्जी बनाई दूसरे दिन बैंगन की बनाई, तो ये तो नहीं कहोगे ना कि उस दिन तो बैंगन में मिर्ची डाली थी आज गिलकी में मिर्ची डाल रहे हैं। ओके सर, गॉट इट या नहीं समझ में आ रहा? कुछ चीज कॉमन होती है, जो कॉमन होती है ना वो हर जगह एप्लीकेबल होती है ना। जैसे हम किचन में सब्जी बनाते हैं तो जो स्पाइसेस होते हैं वो कॉमन है, वो कोई भी सब्जी हो, भिंडी बनाएंगे तब भी डालेंगे, गिलकी बना रहे तब भी डालेंगे है ना, बेसन की बनाएंगे तब भी डालेंगे, तो वो कॉमन कॉमन है स्पाइसेस। तो ये जो चीजें है ना जो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते हो वो कॉमन है, स्पाइसेस है वो, तो वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं है ना। तो वो स्पाइसेस क्या है, यहाँ पे टेबल वन है, यहाँ पे टेबल्स हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं है ना। अब जैसे कि डिसीज का जैसे हमने पढ़ा था उस दिन, तो सर्जरी हो तो भी डिसीज की ही सर्जरी होती है, ट्रीटमेंट हो तो भी डिसीज का ही होता है ना। और अगर बच्चों में डिसीज हो तो भी उन डिसीज में से ही कोई डिसीज होती है, बड़ों में डिसीज हो तो भी उनमें से कोई होती है, ओवर एज यानी ओल्ड एज पीपल में डिसीज हो तो भी उनमें से कोई डिसीज होती है। तो वो हर डिसीज को हर टाइप के जेंडर के साथ फिर से नहीं लिख सकते ना, इसलिए वो कहते हैं कि आप यहाँ से ले लो है ना। ओके सर, तो वैसे है ये, कुछ कॉमन चीजों को बार बार नहीं लिखना पड़े इसलिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कि आप यहाँ से इन्हें ले लीजिए। मुझे एक कंफ्यूजन है ना, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो है ना 3-4-4 था, आपको फिर से मैं बता देता हूँ, जो आपको उस इंस्ट्रक्शन पे ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शन के जो वर्ड्स है ना उस दिन भी मैंने वही बताया था कि नंबर अलग हो सकते हैं, कि एड टू के बाद जो नंबर है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट है वो वही रहेगा ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आज भी वही है, सबसे पहले है एड टू द बेस नंबर, तो यहाँ पे आपको एक बेस नंबर दिया है, फिर द नंबर फॉलोइंग यानी कौन से नंबर के बाद के नंबर एड करने वो दिया हुआ है, और वो नंबर कहाँ से ढूंढने हैं वो आपको नंबर दिया हुआ है। ये तीन सर, एक बार इसको और बोल दीजिए ना। देखिए एड टू बेस नंबर, सबसे पहले यहाँ पे तीन चीजें हैं। यस सर, एड टू बेस नंबर यानी जो नंबर आपका बना हुआ है उसके अंदर आपको ऐड करना है ठीक है। अगर किचन की भाषा में अगर हम समझे तो हम कौन सी सब्जी बना रहे उसके अंदर डालना है ठीक है। तो हमारा जो भी बेस नंबर यहाँ पे है, तो हमारा बेस नंबर यहाँ पे क्या है, हम लॉ की बात कर रहे थे, यहाँ पे बेस नंबर दिया हुआ है, तो इस बेस नंबर के बाद में हमें वो नंबर ऐड करना है। अब वो कौन सा नंबर ऐड करना है, वो हमें नंबर ऐड करना है 331.8 में से आपको जो नंबर चाहिए वो आपको ढूंढना है, और वो नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है ठीक है। तो यहाँ पे आपने चाइल्ड लेबर का नंबर ढूंढा, तो चाइल्ड लेबर का नंबर क्या है मिलेगा आपको वहां पे 331.34 ठीक है। 331.34 जब आप देखोगे तो आपको चाइल्ड लेबर का नंबर दिखेगा ठीक है। अब ये नंबर आपके बेस नंबर में ऐड करना है, आपका बेस नंबर क्या है 344.01 ठीक है, लेकिन ये पूरा नंबर आपको ऐड नहीं करना है, क्या ऐड करना है, द नंबर फॉलोइंग 331 यहाँ पे लिखा है ना, द नंबर फॉलोइंग 331 ठीक है, 331 तो 331 के बाद का नंबर ऐड करना है, तो 331 के बाद क्या नंबर है 0.34 पॉइंट भूल जाइए, केवल 34 है, तो यहाँ पे हम अच्छा। केवल 34 ऐड करेंगे ओके सर ठीक है। तो इसी तरह का इंस्ट्रक्शन हर जगह होगा और हर जगह नंबर अलग होंगे। मेडिसिन में जाओगे तो वहां मेडिसिन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट एग्जांपल्स होंगे, इकोनॉमिक्स में जाओगे तो वहां पे इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स होंगे, लॉ में जाओगे तो लॉ के एग्जांपल्स होंगे, एग्रीकल्चर में जाओगे तो एग्रीकल्चर के होंगे, बायोलॉजी में जाओगे तो बायोलॉजी के होंगे, जियोलॉजी में जाओगे तो जियोलॉजी के होंगे, रिलीजन में जाओगे तो रिलीजन के होंगे, आर्ट में जाओगे तो आर्ट के होंगे, लेकिन मेथड वही है। तो हमें क्या सीखना है, हमें मेथड सीखना है ओके सर ठीक है। सर इसमें हमने यंग पीपल का क्यों कोड लिया है, 3-4 क्यों लिया है, 3-1 क्यों नहीं लिया चिल्ड्रन वाला, यहाँ पे देखिए 3-4 ही दिया हुआ है ठीक है सर, 3-1 भी है जिसमें चिल्ड्रन लिखा है, वो जो यंग पीपल लिखा है ना उसके नीचे आप पढ़िए लिखा है थ्रू 20 ईयर्स,
20 साल के कम। हाँ चाइल्ड लेबर किसको बोलते हैं? चाइल्ड लेबर किसे कहते हैं? चाइल्ड लेबर अंडर 14। हाँ अंडर 14। ठीक है तो वो तो चिल्ड्रन में आया फिर। हाँ थ्री वन में आया भी हो सकता है छोटे हो। नहीं सर इसमें लिखा है थ्रू एज 13 चिल्ड्रन में। यंग पीपल में थ्रू एज 20। हाँ 13 से 13 तक है ना, तो उसे जो यंग पीपल है वो उसके अंदर आ गए ना। एक मिनट रुकिए देखना पड़ेगा इसको। देखिए ये 13 के बिलो वाले हैं, ठीक है। चाइल्ड लेबर उसके ऊपर के जो होते हैं ना उन पे भी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। 15 वाला है उसको यूज कर रहे हैं, 16 वाला है उसको भी यूज कर रहे हैं, वो सारे चाइल्ड लेबर होते हैं। जो एडल्ट नहीं है उनको अगर काम में लगाया जा रहा है ना उनको चाइल्ड लेबर कहा जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 3-4 लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो 20 ईयर का एज है उस पे भी चाइल्ड लेबर लगेगा, उस पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग एजेस होती है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे बनी हुई है DDC, तो वहां पे हर कंट्री का वो नहीं लिया गया है। इंडिया में 18 ईयर्स है, ठीक है। 18 ईयर से कम कोई है और उसको कहीं फैक्ट्री में लगाया जा रहा है तो चाइल्ड लेबर में आता है। अगर 18 ईयर से कम हम उसको लेबर वर्क में यूज करते हैं, ठीक है। ठीक सर, अगर सबका हो गया हो तो सर मैं एक डाउट पूछूं, अगर किसी का डाउट नहीं है पहले ही बोल दे। सर मेरा एक आखिरी वाला डाउट है, ये 026 हमने लास्ट में क्यों लगाया? मुझे मतलब इंस्ट्रक्शन पढ़ के इतना तो समझ में आया है, 342 वाले में अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर ऊपर ही लिखा है 026 के ऊपर, एड टू ईच सब डिवीजन द फॉलोइंग एक्सटेंडेड सब डिवीजन 026। तो इसका मतलब ये है कि 344.45031 के बाद 026 लगाएंगे, ऐसा कुछ कहना चाहता है 3426 से लेके? ठीक है, ये जो है ना जो 026 वाला नोटेशन है वो किसी भी क्लास में एप्लीकेबल है, 0342 से लेकर 347 तक आप यहाँ पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअली ये है कि आपका नंबर कहाँ पे बन रहा है वहां पे आपको एप्लीकेबल करना है। जैसे 344 में भी वो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो 344.01 में भी दिया हुआ है, ठीक है। आपका नंबर केवल अगर सोशल लॉ है तो आप 344 के बाद लगा लीजिए, अच्छा ठीक है। लेकिन आपका नंबर सोशल लॉ नहीं है, आपका नंबर है लेबर लॉ, तो आप लेबर लॉ वाले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन रहेगा वैसा फॉलो करेंगे। हाँ इंस्ट्रक्शन हर जगह है, देखिए सभी जगह है। हाँ, तो मुझे दिखाई दे रहा है। हमको कहाँ एप्लीकेबल है उस नंबर को हम पहले ढूंढेंगे। तो हमारा सोशल लॉ लास्ट नंबर नहीं है, लास्ट नंबर हमारा यहाँ पे आता है, उसके बाद में लेबर लॉ पे, ठीक है, यहाँ पे आता है। तो हम यहाँ वाला इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। तो हमेशा 026 लास्ट में ही फॉलो होगा, वो मतलब लास्ट में लिखा जाएगा, कभी कभी पहले भी लिखा जा सकता है? नहीं, लास्ट में ही लिखा जाएगा वो, हमारा रूल कंप्लीट होगा ना उसके बाद वो लिखा जाएगा, ठीक है। हमारे रूल में फर्स्ट क्या है 34, उसके बाद फिर क्या है ब्रांच है, ठीक है, उसके बाद क्या है कंट्री कोड है, कंट्री है, ठीक है, कंट्री कोड है, और उसके बाद सब डिवीजन में जब आप जाओगे, सब डिवीजन में आप जाओगे तब आपको वो इंस्ट्रक्शन मिलेगा, तो वो सब डिवीजन के बाद में वो इंस्ट्रक्शन लगेगा, अच्छा ठीक है। सब डिवीजन में जाओगे ही नहीं तो वो इंस्ट्रक्शन मिलेगा ही नहीं, और अगर आप ब्रांच में से ही
ब्रांच में इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे आप, ब्रांच में इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो फिर आप सब डिवीजन में नहीं जा सकते, क्योंकि सब डिवीजन 26 में जाने के बाद आपके पास 01 में आने के वापस कोई रूल वो वहां पर वे नहीं है। ठीक है, क्लियर? हाँ सर क्लियर, यही आखिरी डाउट सर। एक बार प्लीज सर टेबल वन में चल के 206 एक बार देखे ना, उसमें सर जो लॉ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में 026 पहले लिख रखा ना सर, ये मुझे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आप है ना टेबल वन में गए ही क्यों, पहले तो एक ही क्वेश्चन वो है। हाँ बताइए, रुकिए ये रहा। अब यहाँ पे हाँ चलिए एक और चीज सिखाता हूँ आज आपको। हाँ ब्रैकेट वाला सर, मुझे कल मेरे जो काउंसलर थे ना उन्होंने बताया कि एकदम यूज नहीं करना, जहाँ पे भी है ना ये ब्रैकेट है ना स्क्वायर ब्रैकेट, वो नंबर आपको यूज नहीं करना है, वो ऑब्सोलेट हो चुका है। ओके ठीक है ना, पूरी डीडीसी के अंदर कहीं भी कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट में है तो वो आपको यूज नहीं करना है, वो नंबर अब यूज में नहीं है, उसका मतलब ये है। हेलो सर। हाँ Yes, okay, मैंने एक बुक का क्लास नंबर निकाला है तो उसको वो ठीक है कि नहीं, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए आपने बताया था कि एक साइट है, देख सकते हैं। साइट नहीं है, साइट पे भी क्योंकि जो आंसर है वो सही है या गलत वो आपको नहीं पता चलेगा सर। वो साइट का नाम क्या है? स्लाई साइट है क्लासिफाई टू करके, ठीक है, वर्ल्ड गेट पे लीड करेगी आपको, वर्ल्ड गेट जो है ना, और वर्ल्ड गेट का वर्ल्ड कट में बहुत सारी लाइब्रेरीज है, वो लाइब्रेरीज अपना क्लासिफिकेशन करती है, लेकिन वो क्लासिफिकेशन कौन से एडिशन से वो आपको नहीं पता चलेगा, वो सही है या गलत है वो आपको नहीं पता चलेगा। तो वो तभी आपके लिए यूजफुल है जब आप उसको एनालाइज कर सकते हो, आप उसको रीड कर सकते हो, आपको डीडीसी का अगर नॉलेज है तभी आप उसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर उसका नाम स्टडी लिब है क्या? क्लासिफाइड टू, क्लासिफाइड टू लिखिए उसको। आप बोल रहे थे कि अभी कोई भी नहीं निकलते हैं जो लेकिन वो भी है ना वेरीफाई करने के लिए नहीं है, वेब डुई मतलब डीडीसी अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अवेलेबल है जिसको हम वेब डुई कहा कहते हैं। ठीक है सर, क्लासिफाई में आपको रेडीमेड नंबर मिलेंगे लेकिन वो सही है या गलत अगेन वो आपको ही चेक करना पड़ेगा। सर वॉल्यूम 4 से भी तो है वॉल्यूम 4 तो 22 23rd एडिशन में है। अच्छा हमारे सिलेबस में 19th एडिशन है सर, लेकिन उसमें दिया था अल्फाबेटिकल दिया था लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना, आप जैसे लेबर दिया हुआ है ना, तो आप वो लेबर इकोनॉमिक्स में है, वो लेबर सोशियोलॉजी में है, वो लेबर लॉ में है, वो आप कैसे पता लगाओगे? अल्फाबेटिकल दिया हुआ है, वहां से आप ढूंढ भी सकते हो। हाँ बोलिए। हेलो सर, आप बता रहे थे कि अभी जो है लाइब्रेरियन डीडीसी बुक नहीं देखते हैं, कोई साइट से देखते हैं, वो तो क्लासिफाइड टू से देखते हैं क्या? हाँ क्लासिफाइड टू से देखते हैं और वो सॉफ्ट कॉपी रखते हैं क्योंकि उसकी नई प्रिंटेड कॉपी जो बहुत महंगी होती है 80,000 1 लाख की आती है, तो प्रिंटेड बुक जिनके पास है वो रखते भी हैं, जिनके पास नहीं है वो ऑनलाइन क्लासिफाई टू से यूज कर सकते हैं या फिर अपने पास सॉफ्ट कॉपी होगी उसमें से बना सकते हैं। मैं खुद सॉफ्ट कॉपी से बनाता हूँ, क्लासिफाई टू का यूज भी करता हूँ। तो 100% ठीक होगा ये कोई गारंटी नहीं है इसका? क्या कह रहे हैं आप, 100% ठीक होगा इसका कोई गारंटी नहीं है? वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, आप वो नंबर देके देखिए, बहुत सारे नंबर हमें तो ठीक है, बहुत सारे नंबर ऐसे समझ में आ जाता है कि सही है या गलत है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको वेरीफाई करते हैं सॉफ्ट कॉपी ओपन करके। तो वेब डीवी में हाँ, तो वो वेरीफाई तो आपको करना ही पड़ेगा, वेरीफाई किए बिना तो वो सही है या गलत कैसे पता चलेगा। ठीक है, एक आपको चार नंबर मिल सकते हैं अलग अलग। मेरा एक मतलब स्मॉल डाउट है कि जैसे हम लोग लॉ के सेक्शन में जैसे भी हमारा रूल दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर को सर्च करेंगे ना? यस पहले बेस फिर ब्रांच फिर कंट्री टेबल फिर सब डिविजन एंड देन अनदर।
आप सर्च कैसे भी कर लीजिए लेकिन आपको अरेंज उस फॉर्मेट में ही करना है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो आप अपना सब डिविजन ही ढूंढोगे, नहीं तो आपको ब्रांच भी कैसे पता चलेगा। यस, है ना, पहले आपको आपने लगा कि चलिए सोशल लॉ में होगा, आपका समझिए कि कॉपीराइट ढूंढ रहे हो, तो आप पहले कॉपीराइट ढूंढोगे तभी आपको पता चलेगा ना कि ये मेरा सब डिविजन और ब्रांच ये दोनों सही है। ओके सर, तो पहले आप अपना पूरा नंबर ढूंढ लोगे, ब्रांच और सब डिविजन, उसके बाद फिर आप अरेंज उस तरह से करोगे। ओके सर, थैंक यू सर। आगे बढ़े सर। हाँ सर, क्लियर हो गया सर डाउट सारा, हो गया ना। चलो नेक्स्ट, हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ था, वो क्या था? प्रॉपर्टी लॉ, इंडियन पिनल कोड। हाँ, प्रॉपर्टी लॉ। यस सर, प्रॉपर्टी लॉ था ना, प्रॉपर्टी लॉ इन श्रीलंका। चलिए कोई बात नहीं, दोनों सोल हो जाएंगे। श्रीलंका सर मैं बोलूं पहले? हाँ बोलिए बोलिए। 346 .09 .09 और सर यही पूरा नंबर है और एक बना है 82 लास्ट में, मेरा दो नंबर बना है। 346.09916 7 3 2 8 2 8 2 सर 8 2 8 2 7 8 2। ओके, और कोई नंबर? 3 4 3 4 6 5 4 9 3 5 4 9 3 0 4 0 4 yes sir okay or 3 4 3 4 3 4 6 5 point 5 4 5 4 9 2 9 2 0 4 0 4। ओके, और कोई? 3 4 6 0 4 0 4 5 4 9 3 5 4 9 3। और कोई? मैं बोलूं सर? मेरा तीसरा वाला। बोलिए 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 सोनी, बोलिए। 3 4 3 3 4 3 यस सर। हाँ, पॉइंट पॉइंट 5 4 9 3 5 4 9 3 0 2 3 0 2 3 ओके। और सर ये जो तीसरे नंबर पे 346.54930 है वो मेरा भी नंबर सेम है। ओके सर, मेरा भी थर्ड वाला है। सर थर्ड वाला सेम है, ठीक है, जो सेम है वो छोड़ दीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। 3 4 6 3 4 6.04 0 4 9 3 9 3। सर मैं बोल 3 4 3 4। हाँ सतपाल बोलिए। 3 4 5 3 4 5 यस सर। हाँ, पॉइंट 5 4 9 3 0 2 6 0 2 6 0 2 6। और सर मेरा है 3 4 5 3 4 5 0 4 0 4। और इससे अलग कुछ है? नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 4 6 3 4 3 and 3 4 5 मेन क्लास ही तीन बने, ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले 3 4 3 आ रहा है ना, सतपाल माइक मूव कर लेना, तुम्हारी आवाज आ रही है। मिसलेनियस पब्लिक लॉ 3 4 3 वाला कहाँ गया? 3 4 3.5 4 9 3 0 2 3 0 2 3 क्या है? 0 2 3 गलती हो गया होगा। पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी देखते हैं। 3 4 3 फिर बना क्या है? 3 4 5
थ्री फोर फाइव में क्या है? क्रिमिनल लॉ सर मेरा 3-4-5 नहीं है, मेरा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वहां पे 3-4-6 आएगा, उसके बाद 5-4-9 आएगा। मैं फिर से बना के देती हूँ। ठीक है, बना के रखिए अपने पास, केवल वेरीफाई कर लीजिएगा, है ना। 3-4-6 प्राइवेट लॉ है ना सर, उसमें जो समरी दिया है पॉइंट 0 उसमें है प्रॉपर्टी, ठीक है। 367 केस नंबर 367 3-4-5 भी बनाया ना कुछ ने, 0-2-6 कहां से आ गया, 4-9 वो सर वेरीफाई कर रहे हैं कि 3-4-5 ऐसा कुछ है क्या। 3-4-5 में कुछ नहीं है, 3-4-5 तो है ही क्रिमिनल लॉ सर। नहीं 3-4-5 नहीं, मुझे तब थोड़ा ये डाउट था कि ये जो श्रीलंका का नंबर है 5-4-9-3, तो मैंने 3-4 के बाद डायरेक्टली वही ज्वाइन कर, मैं ब्रांच लगाना ही, मैं तो केवल वेरीफाई कर रहा था अलग अलग जो नंबर है उसको, ठीक है। नहीं मुझे मेरी गलती समझ में आई। 3-4-6 में क्या है, 0-4 सर मैं अपना नया नंबर बताऊं, और एक मिनट 049 049 तो है ही नहीं यहाँ सर, अब लगता है एक पेज आगे आ गए हैं। ओके 3-4-6 में आ गया हूँ मैं, 3-4 हाँ 3-4-6 ही तो था। हाँ वो नहीं, वो तो अब ठीक है, लेकिन ये 0.04 में है, आप थोड़ा और नीचे आ जाएंगे तो शायद मिल जाएगा। एक जगह प्रॉपर्टी ये रहा, नहीं है केवल 0.4 में ही है, श्रीलंका का 3 आएगा। तो मैं बोलूं अभी 5-4-9-3 ओके। हाँ बोलिए, आपका नंबर क्या बोल रहे थे? 3-4-6 5-4-9-3 ओके, ये तो वैसे लिखा हुआ भी है, थर्ड वाला सर। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी ये वाला एप्लीकेबल होगा प्राइवेट लॉ, है ना। वहां पे पब्लिक प्रॉपर्टी है या पर्सनल प्रॉपर्टी है, वहां पे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, केवल प्रॉपर्टी लॉ लिखा हुआ है ना। तो ये जो प्राइवेट लॉ है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है ना। प्रॉपर्टी लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ के लिए 3-4-6 जो है प्राइवेट, जो प्राइवेट लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। 3-4-5 में तो था ही नहीं, 3-4-3 में भी किसी ने बनाया लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो या तो पब्लिक प्रॉपर्टी है या पर्सनल प्रॉपर्टी है, इस तरह का कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, और यहाँ पे भी फिर हमारा वही रूल एप्लीकेबल होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3-4 लेंगे, उसके बाद 6 आएगा ब्रांच, उसके बाद कंट्री का नंबर आएगा, कंट्री का नंबर क्या 5-4-9-3 है या 5-4-9-2 है? फाइव फोर नाइन थ्री कंट्री का नंबर आएगा, और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी का नंबर है 04 आएगा,
ठीक है, तो सिंपल हमारा रूल्स है उसमें कुछ ज्यादा, तो नंबर आपको बनेगा 346.549304, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ये 346 तो सही था, लेकिन ये 091673 कहाँ से आया सर? ये मैं बता सकती हूँ। हाँ सर, प्रॉपर्टी लॉ तो वो 0.09 दिखा रहा था, फिर प्रॉपर्टी लॉ 09 कहाँ दिखा रहा है? 09 प्रॉपर्टी लॉ नहीं है, 04 आगे में है, फिर 0.9 में दिया है ना, 009 मतलब ऐसे बोल नहीं पा रही हूँ मैं। 346.09 क्या है? 09 हाँ, हाँ, सिक्योरिटीज एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये, तो प्रॉपर्टी कहाँ है यही से आपका नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका दोनों है ना, ये वाले दोनों गलत है, फिर यहाँ पे 5493 ये सही है। ये 5492 क्यों लिया है किसी ने सर? गलती से लग गया। हाँ तो ये भी सही है। फिर यहाँ पे 04 कहाँ से आ गया? ये 4 कहाँ से आ गया? 04 के बाद ये लगा दिया, तो ये आपका है ना, ये इधर आएगा और ये लास्ट में आएगा, हमारे रूल्स को ध्यान में रखोगे तो, ठीक है। तो ये अगर इधर से इधर करोगे तो ये सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5493023 कहाँ से आया ये? अच्छा ये तो वो वाला है, तो वहां पे ये नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे पब्लिक प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे केवल प्रॉपर्टी लॉ लिखा है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है पता नहीं, ठीक है। और ये वाला जो है 346.0493, ये 04 तो उसका नंबर है, 93 क्या है पता नहीं, और ये 345 तो ब्रांच ही गलत है दोनों, ठीक है। सर वो मैंने बोला ना लिखने में मुझसे गलत है, 55 मिक्स हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, अपने मिस्टेक्स कहाँ हुई वो समझ में आ गया, जिसकी भी जो भी मिस्टेक्स है। यस सर, है ना, समझ में आ गया सर। ओके ओके सर। हाँ बोलिए सर, ये 5493 टेबल 2 में दिया है ना? हाँ टेबल 2 में दिया है, क्योंकि डायरेक्टली मेरे को मिल नहीं रहा था जब मैं श्रीलंका को, नहीं टेबल 2 में ही मिलेगा, कंट्री का नंबर आपको टेबल 2 में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ओके सर, ठीक है। ओके सर, 45 में 0.02 के अंदर आ रहा था सर, ऑफेंसेस में नहीं, ऑफेंसेस नहीं है ना, ये केवल लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है, यानी जो लॉज जो यानी ऑफेंसेस जो है ना, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, वो थेफ्ट में आएगा या फिर ट्रेसपासिंग होगा, तो ऑफेंसेस नहीं है, प्रॉपर्टी का लॉ है ये सर। एक्चुअली ये मैरिटल प्रॉपर्टी दे रहा था ना रिलेशन, उसमें क्लास ये, हाँ तो वो भी हो सकती है, हाँ तो वो भी हो सकती है, यानी वो ये कह रहा है कि अगर ऐसे भी कोई है मैरिटल प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर कोई विवाद के लॉ है, तो वो भी यहाँ पे हो सकते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टीज में मतलब जो क्लास में उसी ही क्लास में लेना ना सर। हाँ प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी लॉ है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यस सर, वहाँ पे अगर एग्जांपल में लिखा है कि लॉ रिलेटिंग टू पब्लिक प्रॉपर्टी, तो फिर वो 343 में चला जाएगा, ठीक है। सर जितने भी एग्जांपल बता रहे हैं सर, हाँ उसका सर एनालिसिस भी, एनालिसिस करके मतलब जो लिख रहे हैं उसको एनालिसिस के तौर पे जो हम टेबल 1 से ले रहे हैं या जो हम टेबल 2 से ले रहे हैं या जो बेस, वो चीज अगर हम दो चार एग्जांपल्स में अगर लिखते रहेंगे तो सर शायद दिमाग में हो सकता है वो थोड़ा जल्दी बैठ जाए। तो वो आपको लिखना ही है, जब भी जो भी एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं ना उसके साथ उसकी एनालिसिस लिखे, क्योंकि अगर मैं ये सबकी एनालिसिस लिखूंगा ना तो फिर टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, है ना। जी, तो आप लिखते रहिए जो भी लिख रहे हैं ना कि कौन सा कहाँ से आया, और हर क्लास का एक पेज बना लीजिए, जैसे लॉ का एक बना लीजिए, तो लॉ पे सबसे पहले उसके रूल्स लिख लीजिए कि लॉ के नंबर इसी तरह से बनेंगे, तो आपको वो याद रहेगा। जी जी सर, ठीक है, क्योंकि अलग अलग इसमें जो है
जैसे मेडिसिन के लॉ नंबर अलग से बन अलग तरीके से बनते हैं, लिंग्विस्टिक के नंबर अलग तरीके से बनते हैं, लिटरेचर के नंबर अलग तरीके से बनते हैं, बाकी सबका कॉमन वे है, उसके अलावा जितने भी नंबर्स है उनका कॉमन प्रोसीजर्स है। लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स और लॉ तीनों एल से शुरू होते हैं, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स और लॉ, इन तीनों के जो नंबर हैं, इन तीनों के जो नंबर है वो उनकी तीनों की मेथड अलग है, बाकी सभी की कॉमन मेथड है जो हम समरी में से मेन क्लास लेंगे, फिर उसके सब डिवीजन में जाएंगे और उसको ऐड करेंगे। लेकिन ये लॉ की मेथड अलग है, लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज की मेथड अलग है और लिटरेचर की मेथड अलग है, ये तीनों की मेथड अलग है। मेडिसिन भी बोल रहे थे सर, मेडिसिन में तो सिंपल है वही कि आप वहां पे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि आप अगर उसमें कोई स्पेसिफिक मेथड दी हुई है, जैसे आयुर्वेदा दिया हुआ है या फिर ओल्ड एज पीपल दिया हुआ है या फिर गायनेकोलॉजिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट दिया हुआ, तो पहले आप उनको ढूंढोगे। जी जी सर, ठीक है, ओल्ड एज पीपल दिया है तो पहले आप गेरियाट्रिक्स पहले ढूंढोगे, है ना। जी जी जी, गायनेकोलॉजिस्ट है तो गायनेकोलॉजिस्ट आप पहले ढूंढोगे, अगर बच्चों की डिसीज है तो पेडियाट्रिक्स ढूंढोगे पहले, उसके बाद डिसीज ढूंढोगे, मतलब उसमें पता चलने वाला मतलब है कि, लेकिन ये लॉ लिंग्विस्टिक सर बेस सब्जेक्ट पहले लेते हैं ना, उनमें सब में बेस सब्जेक्ट आप पहले लोगे, लेकिन यहाँ पे पूरा वो अलग ही है, वहाँ पे आपको जहाँ भी जो भी नंबर लेना है वो वहाँ पे लिखा होगा, लेकिन लॉ में ऐसा नहीं है, अभी ये नंबर लेना है तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि कंट्री का नंबर कहाँ से लेना है, तो फिर आप क्या करोगे, आप सीधा टेबल वन में चले जाओगे, वहां पे 09 लगा के कंट्री का नंबर ले लोगे, लेकिन वैसा नहीं है, वहां पे कंट्री का नंबर इस लॉ के अंदर पहले लेना होता है, जो कि उसके इंस्ट्रक्शन कहाँ दिए होते हैं, 340 वहां पे दिए हुए होते हैं, हम यहाँ पे ढूंढेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। सर इसका एक लॉजिक ये होगा ना कि कोई भी कंट्री का नंबर जब पहले देते थे तो बुक को देख के पता चल जाता है, मतलब जो जिसको पता है कि वो नंबर क्या है तो वो नंबर देख के पता चलेगा कि ये कंट्री का है, उसके बाद उसका जो भी आगे सब डिविजन नहीं, उसका इसका जो ये कंट्री का नंबर ब्रांच के बाद लिखने का लॉजिक ये है कि आप इसको आंख बंद करके ये देखो कि ये सारी बुक्स को अरेंज किया हुआ है, तो अब जब उस तरह से आप यानी फील करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जैसे अगर 344 है, वही मैं बोल रही थी सर, तो सोशल लॉ सब एक साथ रखे हुए होंगे, वो भी कंट्री वाइज अलग अलग रखे होंगे, पहले यानी 344 यानी सोशल लॉज है, उसके बाद कंट्री का है, तो यानी कंट्री वाइज वो सारे लॉज अलग अलग हो जाएंगे, अगर आप वहां पे अगर आप कंट्री का नंबर नहीं लिखोगे और लास्ट में लिखोगे, तो जैसे यहाँ पे देखिए सेल के बाद कंट्री का नंबर, सभी कंट्री का नंबर अलग आएगा, तो यानी सेल का केवल सेल की बुक आएगी और सारी कंट्री का नंबर आएगा, और मोर्गेज का आएगा उसमें फिर सभी कंट्री का नंबर आएगा, लेकिन जिस मेथड से वो किया हुआ उस तरह से करोगे तो यानी ये जो प्राइवेट लॉ है, प्राइवेट लॉ कंट्री वाइज अलग हो जाएगा, सारी कंट्रीज का अलग अलग रहेगा, ठीक है, तो आप उस कंट्रीज में से सीधा उस कंट्री में चले जाओ, वहां पे आपको वहां मिली तो मिली, नहीं मिली तो फिर वो बुक नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे रहेगा तो आप ढूंढते रहोगे कहाँ होगी वो, ठीक है, कंट्री वाइज आपको कलेक्शन नहीं मिलेगा लॉ का। खतरनाक वाला है, इंडियन वो थोड़ा टैक्टिकफुल ही था, इंडियन पिनल कोड है ना, ये था ना सर, मैं बोलू मेरा बन गया है, हाँ एक मिनट, ढूंढने से नहीं मिला है सर इसीलिए मुझे, हाँ बोलिए बोलिए, 365 यस सर, हाँ बोलिए और 0.320 0.320 908 908 991 991 417 417 यस, बहुत लंबा बनाया, हाँ और किसी का बनाइए सर, नहीं मिला, हाँ बोलिए 348 348 नहीं बना है, लेकिन मुझे ऊपर वाले से लग रहा है कि ये 365 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि हमको 365 में पहुंचने के लिए बोल रहा है, एक जगह इंस्ट्रक्शन पढ़ा है मैंने, 365 में आएगा ऐसा बोल रहे हो,
हाँ, मुझसे नहीं बना है, मुझसे बना नहीं है, बट 365 है ना वो इंडियन पीनल इंस्टीट्यूशन है, तो मैं वहां पे अटक गई, वो इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट नहीं है। अच्छा, वो मैं इसीलिए बोल रहा था कि थोड़ा टेक्टफुल ही है, थोड़ा सा जिसको लॉ का थोड़ा सा भी नॉलेज होता ना वो बना लेता। अब इंडियन पीनल कोड क्या है पता है किसी को? यस सर। क्या है ये? क्या कहते हैं, आईपीसी की धारा जो लगती है 420। आईपीसी की धारा, आईपीसी क्या है? 1861 में सर इसको ढूंढा, मतलब वो एक रिफॉर्म है सर, वो एक रिफॉर्म है सर, वो है क्या सर? ये कोड है, सिविल कोड है। सिविल कोड नहीं है वो, सिविल कोड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री, क्रिमिनल, क्रिमिनल कोड है सर, क्रिमिनल्स को सजा दी जाती है, लॉ है वो, लॉ है क्रिमिनल्स को सजा दी जाती है, मतलब वो लॉ है और वो क्रिमिनल लॉ है। और सर ऐसे तीन टाइप के हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये तीन दो और ठीक है। अब वो जो प्रोसीजर कोड जो आप बोल रहे हो ना, वो सीआरपीसी भी होता है, वो सीपीसी भी होता है। लॉ कैसा है वैसी उसकी प्रोसीजर्स होती है, एविडेंस भी उनमें दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो इंडियन पीनल कोड है इसमें सारे क्राइम्स होते हैं इसके अंदर। माइक अपना म्यूट कर लीजिए जो ऐसे बात कर रहे हैं अपने आप में। ठीक है, तो जो इंडियन पीनल कोड है वो भारत का क्रिमिनल लॉ है। मुझे आवाज सुना से शेर है, मुझे आएगी प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। सर और एक नंबर बोले? हाँ बोलिए। 345.0954 345.0954 बस। अच्छा ठीक है, तो सर ये तो क्रिमिनोलॉजी में आएगी ना? हाँ क्रिमिनोलॉजी में नहीं जाएगा, क्रिमिनोलॉजी क्या होता है पता है? क्रिमिनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स, उनके अगेंस्ट में लॉ की उसमें स्टडी नहीं होती, क्रिमिनल्स की स्टडी होती है वहां पे क्रिमिनोलॉजी में। ठीक है, क्राइम की सजा वहां पे नहीं होती है, कौन सा क्राइम के उसकी गंभीरता कितनी होती है, उसकी क्या पनिशमेंट हो सकती है, वो सब नहीं होता लॉ में, ये सब चीज होता है लॉ में। बेसिकली बोला जा सकता है कि उस क्रिमिनल की क्या दशा रही होगी उस दिमाग में, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, तो वो क्रिमिनोलॉजी होता है। क्रिमिनल नहीं बनता, उसको समाज क्रिमिनल बनाती है सर। तो वो क्रिमिनल वो ठीक है, जो भी उसकी परिस्थितियां रही होगी जिसकी वजह से वो क्राइम उसने किया होगा, तो वो उसकी स्टडी होती है, वो होता है क्रिमिनोलॉजी। लेकिन हम क्रिमिनोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, इंडियन पिनल कोड क्रिमिनोलॉजी की बुक नहीं है, वो क्रिमिनल लॉ है, यानी अगर कोई क्राइम करता है तो उसकी क्या सजा हो सकती है। ठीक है, क्राइम के कितने रूप हो सकते हैं, कितने तरह के क्राइम्स हो सकते हैं, वहां पे आपको मर्डर का भी आपको लॉ मिलेगा, वहां पे आपको चोरी का भी मिलेगा, एक्सीडेंट का भी मिलेगा, मानहानि का भी मिलेगा, डकैती का भी मिलेगा, मर्डर में भी अलग अलग तरीके के होते हैं, असॉल्ट्स का भी मिलेगा, सब कुछ तरह के मिलेंगे। ठीक है, तो वो सारे क्रिमिनल लॉ होते हैं, और अगर क्रिमिनल लॉ है तो आपका ब्रांच कौन सा बनेगा? क्रिमिनल लॉ। ठीक है, क्रिमिनल लॉ क्या है सीधा सीधा? 345। ठीक है, यहाँ पे हमारा रूल क्या है? सबसे पहले बेस नंबर, बेस नंबर क्या है? 3-4। उसके बाद सेकंड क्या है? ब्रांच, ब्रांच क्या है? 5। ठीक है, और इसके बाद हमारा कुछ नहीं है, ये क्रिमिनल लॉ है, इसके अंदर जो भी इसके जो सब डिविजन आते हैं ना, यहाँ पे कोई इसका पर्टिकुलर सब डिविजन नहीं है हमारे पास। ठीक है, लाइबिलिटीज नहीं है, ऑफेंडर कौन है वो नहीं है। ठीक है, उसका कोई प्रोसीजर की बुक नहीं है, केवल क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, वो सस्पेक्ट के राइट्स के बारे में बात नहीं करता, एविडेंस भी नहीं है, ये कुछ नहीं, ट्रायल व्रायल किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहा है, वो सिंपल सा क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, ठीक है, या फिर अगर आप उसको यहाँ पे आ सकता है ऑफेंसेस, उसके अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे ऑफेंसेस को? गुनाह। ठीक है, कौन कौन से गुनाह है, सभी तरह के गुनाह उसके अंदर है, और उसके अगेंस्ट में वहां पे उसकी सजा है। ठीक है, तो आप इसको ऑफेंसेस में डाल सकते हो इंडियन पिनल कोड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका आप ब्रांच ढूंढोगे तो ब्रांच आप सब डिविजन जो है
सब डिविजन वो है गुना यानी ऑफेंसेस, वो है 0-2, और उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री ऐड करना है, कंट्री का है 5-4, ठीक है। अरेंजमेंट का जो हमारा प्रोसीजर है वो वही रहेगा, सबसे पहले बेस, उसके बाद ब्रांच, उसके बाद कंट्री, उसके बाद सब डिविजन, ठीक है। तो नंबर क्या बनेगा 3-4-5.5402 सर, मुझे ये पूछना था जब पीनल कोड डायरेक्टली मेंशन्ड है सर, तो हम लोग इसको उधर से क्यों नहीं बनाए, 365 से क्यों नहीं बनाए सर? 365 जो है, देखिए इंडियन पिनल कोड लॉ है, इंडियन पिनल कोड की जो बुक है ना वो लॉ है, इंडियन पिनल कोड कहीं भी मेंशन नहीं होगा। और सर एक चीज और पूछना था मुझे सर, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि सर आईपीसी में हर चीज जो मेंशन है वो गुनाह ही मेंशन है सर, बिकॉज प्राइवेट लॉ होगा, कॉपीराइट लॉ होगा, ये सब गुनाह में तो नहीं आता सर, ये सब तो एक आईपीसी में है कि नहीं, आईपीसी में नहीं है ये जो है ना कॉपीराइट, और ये सब कॉपीराइट का एक अलग लॉ है, इंडियन कॉपीराइट एक्ट वो अलग है, आईपीसी के अंदर केवल गुनाह है। नहीं सर, हमेशा गुनाह नहीं रहता है सर, कुछ कुछ चीजें भी डिफाइन रहती है उसमें, हर चीज उसके अंदर जितना भी शायद 520 शायद उसकी वो है सेक्शन या 420 समथिंग सेक्शन है, तो सारी सेक्शन जो है ना वो गुनाह है, जो क्रिमिनल गुनाह क्रिमिनल ऑफेंसेस में आते हैं, वो सारे ऑफेंसेस जो होते हैं ना वो क्रिमिनल ऑफेंसेस में आते हैं, ठीक है। okay. उसमें जो फर्स्ट कुछ सीरीजेस, फर्स्ट जो है मैं आपको बताऊं, 0 से यानी 1 से लेके 82 तक, 82 या 88 तक शायद, वो exemptions है, उसके अंदर में कोई क्राइम आता है तो वो exempted होता है, जैसे एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट एक जिसमें अगर किसी की डेथ भी हो जाती है उस पर मर्डर का चार्ज नहीं लगता है, जब तक कि ये प्रूव ना हो कि उसको जानबूझ के मारा गया है, वो exempted में आ जाता है। ओके सर, ठीक है। और उसके बाद 304 तो लगा सकते हैं। हाँ, वो पुलिस तो कुछ भी लगा सकती है ना, पुलिस चार्ज लगा तो कोई कुछ भी सकता है, ठीक है। हाँ, पुलिस यानी हाँ, जानबूझ मतलब... के मारा है उस पर भी एग्जम्पशन का लगा सकती है, एग्जम्प्टेड है उस पर भी मर्डर का लगा सकती है, चार्ज लगाना हाँ। पुलिस का काम है, लेकिन वो प्रूव करना कोर्ट का काम है, वो कौन सी सेक्शन में आएगा, वो किस सेक्शन में कोर्ट उसको जस्टिफाई करती है, वो तो कोर्ट का काम है, लेकिन वो दोनों जगह आता है, ठीक हाँ। है ना सर। क्रिमिनल लॉ के नीचे लिखा U 3-4.5001, ये क्यों, ये क्या करना है इसका, कहाँ पे यूज करना है ये, कहाँ पे क्रिमिनल लॉ के नीचे, क्रिमिनल लॉ के नीचे रुकिए, हाँ हाँ ये कहाँ पे, ये वाला, ये सर, ये इसलिए है कि जब अगर आपको टेबल वन का यूज करना हो, ठीक है, तो आप उसको उसके लिए आप 001 टेबल वन के लिए यूज करोगे, 001-009, और वो कब यूज करोगे, कुछ ऐसा नंबर आ गया जहां पे क्रिमिनल लॉ के साथ टेबल वन से ही वो नंबर बनेगा, फॉर एग्जाम्पल स्टडी एंड टीचिंग इन क्रिमिनल लॉ आ गया, तो आप कैसे बनाओगे, स्टडी एंड टीचिंग तो टेबल वन में ही आता है, कोई देश का नाम कुछ नहीं लिखा है, केवल ये लिखा है स्टडी एंड टीचिंग इन क्रिमिनल लॉ, या डिक्शनरी या जर्नल ऑफ क्रिमिनल लॉ आ गया, ठीक है, ठीक है। तो जर्नल के लिए तो आपको टेबल वन से 05 ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 001 से लेके 009 लिखा है, तो आपको जर्नल ऑफ क्रिमिनल लॉ के लिए बनाना पड़ेगा 3-4-5.005, मतलब उसमें दो जीरो लगाएंगे क्या, दो जीरो, क्योंकि यहाँ पे रूल में लिखा हुआ है ना यूज 3-4-5.001-009, तो जो दो जीरो आएंगे, ठीक है, क्योंकि 10 का तो नंबर, ये देखिए जीरो का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, इसके पीछे जो लॉजिक होता है, ये कितने जीरो यूज होते हैं वो डिफाइन करता है कि जो मेन क्लास है उसके कितने जो एक्सटेंशन है उसको यूज किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 01 क्रिमिनल कोर्ट है, 02 और कुछ बनाया हुआ है, तो एक जीरो तो इन्होंने यूज कर लिया है, तो अगर एक जीरो यूज करेंगे तो इसके साथ नंबर क्लेश होगा, तो इसीलिए टेबल वन को यूज करने के लिए यहाँ पे दो जीरो यूज किए गए उसको उस नंबर से अलग करने के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो सभी जगह वैसे ही होता है,
कहीं पे दो जीरो भी यूज किया हो, उतना एक्सटेंशन इतना ज्यादा होता है कि एक जीरो भी यूज किया है, दो जीरो भी यूज किया है, तो फिर वहां पे तीन जीरो यूज करने पड़ते हैं स्टैंडर्ड सब डिवीजन की। ओके ठीक ठीक है सर। तो मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ? सर इसके अंदर जैसे आपने आईपीसी में बताया कि ऑफेंसेस, लेकिन उसके अंदर क्या कहते हैं लायबिलिटी भी है, गिल्ट भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्या है उसमें? जैसे हम 0.4 में सॉरी 0.04 में हम देख रहे हैं, तो हमको लायबिलिटी भी दिखाई दे रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिल्ट भी दिखाई दे रहा है। वो नहीं है उसमें, आईपीसी में वो सब नहीं होता है सर। आईपीसी हाँ बोलिए। वो क्या कहते हैं, मेरे पास वो किताब है वो, लेकिन ऐसा है उसके अंदर थोड़ा, मतलब अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको क्या कहते हैं, मेरे पीछे वही किताब मतलब लॉ की किताब है, तो क्या कहते हैं अगर हाँ तो उसके अंदर कहीं कहीं ऐसा कुछ वो क्या कहते हैं मैंने पढ़ रखा है हाँ कि क्या कहते हैं गिल्ट भी ऐसे है उनका कुछ। गिल्ट देखिए वो सजा होती है, वो ऑफेंसेस होते हैं और उसकी सजा होती है वो वहां पे। हाँ। और कुछ नहीं है ठीक है, अगर या तो कुछ है, वो फाइनेंशियल सजा हो सकती है या तो फिर आपको जेल जाना होता है, ये दो तरह की सजा होती है। हाँ जेल जाना होता है और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो डिफाइन नहीं की हुई है। हाँ ये हाँ ये तो कोड डिफाइन करता है। हाँ तो ये वहां पे कहीं कुछ नहीं लिखा है, वहां पे सिंपल सा हर एक सेक्शन दिया हुआ है, हर एक सेक्शन में कौन सा क्राइम आता है, वो क्राइम अगर कोई कमिट करता है तो उसको क्या सजा होती है, मिनिमम क्या हो सकती है, अधिकतम क्या हो सकती है, यानी जेल की कितनी हो सकती है, फाइनेंशियल कितनी हो सकती है, प्लस वो जो गुनाह है वो क्या कॉग्निजिबल है या कॉग्निजिबल नहीं है, वो बेलेबल है या बेलेबल नहीं है, ये चीजें होती है आईपीसी में। हाँ ये तो हाँ, और कुछ क्या कहते हैं जज साहब भी तय करते हैं कुछ कोर्ट भी, मतलब जुर्माने वो तो फिर बहुत सारी अलग अलग सेक्शन के साथ रीड होता है, इंटेंशन होता है, मोटिव होता है, बहुत सारी वो तो फिर अलग है, वो फिर उसका प्रोसीजर होता है, मेरा कोड आता है। हाँ मेरा सिर्फ इतना ही ये है, मुझे सिर्फ एक जगह कंफ्यूजन है, किताब देखने के बाद मुझे मतलब ये अंदाजा लगा है, मतलब ये पता चला है कि उसके अंदर एक गिल्ट नाम का भी एक है, मतलब जैसे कि क्या कहते हैं कि 304 में 10 साल की सजा होती है, 302 में क्या कहते हैं लाइफ टाइम हो सकता है, 14 साल भी हो सकती है, तो वो गिल्ट भी मतलब आ सकता है इसके अंदर की नहीं आ सकता? नहीं वो गिल्ट मतलब तो सजा ही हो गई ना, जो डिफाइन होता है सजा ही हो गई। 302 जो बोल रहे हो वो यानी इंटेंशनल मर्डर है, 304 जो है वो नॉन इंटेंशनल मर्डर है ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा था और 70 पे पत्थर मार दिया जोर से, मारना नहीं चाहता था लेकिन उसकी डेथ हो गई, तो वो नॉन इंटेंशनल मर्डर हुआ। लेकिन मैंने प्लान बना के कि अब ये यहाँ पे जाएगा, अब वैसे मुझे मारना है, वैसा प्रूव हुआ तो 302 मर्डर में होगा, तो उसकी सजा अलग होती है, नॉन इंटेंशनल मर्डर की सजा अलग होती है, उसको यानी मरने जैसी हालत में ले आऊंगा मैं, उसकी डेथ नहीं हुई है लेकिन इतना इंजर्ड कर दिया कि वो कभी भी मर सकता है, तो उसकी सजा अलग होती है, माइनर इंजरी की सजा अलग होती है, तो आपका गिल्ट कितना बड़ा है सजा उतनी बड़ी होगी। हाँ तो मेरा सिर्फ यही है कि क्या कहते हैं तो फिर इसमें ये 0.04 नहीं आएगा, मतलब नहीं वो नहीं आएगा तो। वो ऑफेंस है, वो गिल्ट जो है ना वो ऑफेंस है कि आपने किस लेवल का गुनाह किया है, आपने क्या उसको केवल केवल धमकी दी है वो भी गुनाह होता है, आपने उसको थप्पड़ मार दिया वो भी गुनाह होता है, वो भी गुनाह है ना, आपने उसके सर पे पत्थर मार दिया वो भी गुनाह होता है, चाकू मार दिया वो भी गुनाह होता है, गोली मार दी वो भी गुनाह होता है, और चार पांच गोली मार दी वो भी गुनाह होता है, तो सबकी सजा लेकिन अलग अलग होती है। हाँ अलग अलग डिफेंड है ना, तो वो डिपेंड करता है कि आपका ऑफेंस नेचर में कितना सीरियस था, है ना, और मर्डर में भी यानी सिंपल चार गोली मार दी किसी को तड़पा तड़पा के मारा, फिर वहां पे और चेंजेस हो जाती है चीजें। हाँ वो क्या कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आ जाते हैं। हाँ वो फिर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस भी आ जाते हैं, वो है आपका सर, जो, तो इसका मतलब ये कि इंडियन पिनल कोड में हम लोग ऑफेंस लेंगे तो सर सीआरपीसी के केस में हम लोग क्या लेंगे बेस? सीआरपीसी जो है ना वो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है, उसका नाम ही प्रोसीजर, ये यहाँ पे जनरल क्राइम क्रिमिनल प्रोसीजर में आ जाएगा वो। ओके सर, तो उसको भी ऑफेंस में लेना है क्या सर? ऑफेंस वो है क्रिमिनल प्रोसीजर है, यानी जो अगर कोई क्राइम में, हाँ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होता है कि क्राइम के अंदर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसका केस किस तरह से आगे बढ़ेगा, उसकी चार्जशीट कैसे बनेगी, उसमें वो फिर लिखा होगा कि उसको पकड़ा जाएगा, उसको 24 घंटे में कोर्ट में जज के सामने लेके जाना है, फिर क्या करना है, वो सारा उसमें लिखा होता है, वो प्रोसीजर होती है।
हाँ वो मेडिकल कितने देर में कराना है, क्या कराना है, वो प्रोसीजर होती है, वो आईपीसी में नहीं लिखा होता है कि उसको 24 घंटे में जज के सामने लेके जाना है, वो क्रिमिनल प्रोसीजर में होता है। ठीक है सर, ये सामने जो लिखा है 0.5 जनरल क्रिमिनल प्रोसीजर, ये इसी में आएगा क्या? हाँ, वो अगर बुक है, अगर एक और बुक होती है इंडियन पिनल कोड की, एक और बुक होती है इसके आगे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया। तो सर उसमें फिर बेस कोड हम लोग क्या लेंगे, 345 ही लेंगे? हाँ वही बेस तो उसी में आएगा, क्रिमिनल लॉ की बुक है ना, क्रिमिनल एविडेंस एक्ट भी आएगा, एविडेंस एक्ट इन क्रिमिनल लॉ। यस सर, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो वो फिर क्रिमिनल में ही जाना पड़ेगा, ट्रायल्स इन क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में कोई पकड़ा गया तो उसकी ट्रायल किस तरह से चलेगी। ठीक है, यस सर, तो वो क्रिमिनल में ही जाएगा। अगर क्रिमिनल जुवेनाइल प्रोसीजर इन क्रिमिनल लॉ, यानी बच्चे पकड़े जाते हैं क्रिमिनल एक्ट्स में तो उनकी क्या सजा होती है, तो उसका भी मेन ब्रांच क्या है, ब्रांच तो क्रिमिनल ही है ना, उसकी सब डिविजन अलग अलग है ना सर। मतलब ये जो 365 बोल रहे थे वो कोर्ट, वो कोर्ट से लेना देना तो नहीं है, वो इंडियन पिनल इंस्टीट्यूशन है। हाँ, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? हाँ, तो वो नहीं आता, वो नहीं आना था ना, क्योंकि मुझे भी एक बार उसका ख्याल आया था। नहीं, वो नहीं आएगा सर। तो ये अगर हम क्या कहते हैं, अगर ऐसे हम देखें मतलब इंडियन पिनल कोड को, तो ये क्या कहते हैं, मतलब ये एक तरीके का क्या कहते हैं रिफॉर्म हुआ सर? रिफॉर्म नहीं है, ये कोड है, यानी लॉ है, ऑफेंसेस की, क्राइम के आगे क्राइम का लॉ है। और रिफॉर्म उसे बोलते हैं कि जहां पे इसमें समय समय पे जो चेंजेस होते रहते हैं अमेंडमेंट, उनको हम रिफॉर्म्स कह सकते हैं। लेकिन रिफॉर्म का जो प्राइमरीली मीनिंग जो होता है ना, वो सुधार होता है, लेकिन वो जो चेंजेस करने के बाद उसमें सुधारा है या वो बिगड़ गया, वो तो समय ही बताता है। हाँ, अगर मोटा मोटी तौर पे अगर हम समझे तो क्या कहते हैं, मतलब इंडियन पिनल कोड को इसीलिए लाया गया, अमेंडमेंट्स जो होते हैं ना उसे सुधार कहा जाता है। हाँ ना, चेंजेस जो भी अमेंडमेंट्स हुए कि पिनल कोड में कोई चेंज किया तो वो अमेंडमेंट होगा, तो सुधार होगा उसमें। हाँ नहीं, ये जो 365.7 में मुझे रिफॉर्म इन पिनल पिनल इंस्टीट्यूशन में है, तो ये जो समय समय पे जैसे ये 1861 का है, तो टाइम टाइम पे क्या कहते हैं मतलब रिफॉर्म होता गया है इसके अंदर, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। नहीं, वो नहीं आएगा, वो रिफॉर्म यानी क्रिमिनल में रिफॉर्म होगा, मैंने नहीं देखा उसको, लेकिन वो हो सकता है क्रिमिनल्स में रिफॉर्म्स, यानी जो क्राइम कर रहे हैं उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस की बात कर, रिफॉर्म्स नहीं शब्द यूज होता है कोड में, रूल्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसमें रिफॉर्म शब्द यूज नहीं होता, वहां पे अमेंडमेंट शब्द यूज होता है। लेकिन सर इसके अंदर मुझे ऐसा कुछ अमेंडमेंट दिखाई, हाँ लेकिन इसके अंदर मुझे ऐसा कुछ अमेंडमेंट जैसा मतलब टर्म या वर्ड ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया ना। हाँ, अमेंडमेंट रूल्स में होते हैं। अच्छा ठीक, वहां पे क्रिमिनल्स की बात हो रही है, तो क्रिमिनल्स में रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्रिमिनल सुधर सकते हैं। ठीक ठीक है, या तो वहां पे पिनल इंस्टीट्यूशंस की बात है तो उन इंस्टीट्यूशंस में भी कुछ चेंजेस, उनको भी सुधारा जा सकता है, उस तरह का कुछ होगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये हो गए ना, ये जो हम मैंने दिए थे? हाँ सिर्फ तीन ही दिया था, फिर बाकी सब हो गया सर। ठीक है ना, अब एक दो और देता हूँ। ये लो वाला बहुत अच्छे से समझ में आया, होप करते कि कोई एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ये अभी हटा रहा हूँ उसको, अभी आप लीजिए, फिर कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा लॉ के जो आप कल करके लाइएगा। ठीक है, अभी एक दो तेरा एक दो एग्जाम्पल देता हूँ ओनली। ये आप होमवर्क दे रहे हैं या अभी करने हैं? नहीं नहीं, ये अभी अभी करना है, दो ही दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, उसके बाद में आपको दूंगा, जो होमवर्क दे रहा हूँ उसके बाद दूंगा। सर यस यस सतपाल बोलिए। सर ये जो 3 फीट में लॉस है सर, इसमें कौन सा है सर? आवाज आपकी कट रही है सतपाल, क्लियर नहीं आ रही है, लॉ का सर, क्या दे रहा? थ्री में सर लॉस है सर, स्ट्रेच रेगुलेशन केसेस लॉस कुछ दे रहे सर, इसमें इसमें कौन सी कैटेगरी आई ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका क्वेश्चन, किसी और को समझ में आया तो मुझे बताइए। आपकी आवाज बहुत कट रही है सतपाल, इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। हां क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। ठीक हां, चाहे तो चैट में लिख दीजिए।
दो एग्जांपल है, इसको बनाइए ठीक है। आर्बिट्रेशन मतलब, आर्बिट्रेशन ये मतलब क्या होता है सर इसका? आर्बिट्रेशन का मतलब होता है शायद समझौता, ठीक है, झगड़ों को सुलझाना ऐसा कुछ होता है। सर ये आर्बिट्रेशन किसके किसके बीच में हो सकता है, स्टेट और किसके बीच में हो सकता है, जिसके बीच में झगड़ा होता है, किसी भी चीज को लेके विवाद होता है उनके बीच में हो सकता है आर्बिट्रेशन। हो गया सर, हाँ रखिए अभी। हो गया सर, रखिए रखिए। सर आर्बिट्रेशन नहीं मिल रहा मुझे,
सर एक क्वेश्चन था मेरा. बोलिए सर. इंग्लैंड को मेलविल ड्यूई ने क्या कहते हैं आपका सर टॉट्स मतलब क्या होता है? टॉट्स एक तरह का यानी गुनाह एक तरीके से दुष्कृति. दुष्कृति एक तरह के गुनाह होते हैं लेकिन वो है ना क्राइम में नहीं आते हैं. नेग्लिजेंसी टाइप के कुछ लॉज होते हैं. Okay, जैसे आपने 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 अपने घर के सामने गड्ढा खोदा उस गड्ढे में कोई गिर गया और उसको लग गई तो वो क्राइम में नहीं आएगा वो टॉर्ट्स में आता है. आर्बिट्रेशन में क्या होता है सर? ठीक है अगर आर्बिट्रेशन मतलब किसी तीसरे के तहत समझौता. ओके सर मैं अपना क्वेश्चन भूल गया था. सर ये थ्री वाले में इंग्लैंड को इन्होंने एंशियंट वर्ल्ड में मतलब बांट रखा है क्या मेलविल ड्यूई ने? एंशियंट वर्ल्ड में भी बांट रखा है लेकिन एंशियंट वर्ल्ड नहीं लेना जब तक कि स्पेसिफिकली कहा नहीं गया हो कि एंशियंट पूरे वर्ल्ड को. देखिए एंशियंट में भी बांट रखा और मॉडर्न या मेडिवल में बांट रखा है. ठीक है तो या तो एंशियंट या मॉडर्न समझ ली. मेडिवल जैसा तो कुछ है नहीं सेक्शन. तो अगर एंशियंट इंग्लैंड लिखा है तो एंशियंट वाला ढूंढिए. अगर एंशियंट वो थ्री जो है वो केवल एंशियंट के लिए. एंशियंट इंडिया उसमें आएगा. एंशियंट यूरोप उसमें आ जाता है. एंशियंट पर्सिया आ जाता है. सब अलग अलग आ जाएगा. तो मतलब कि एंशियंट वाले में हमको नहीं लेना है कहने का मतलब? नहीं 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 लेना. अगर स्पेसिफिकली नहीं लिखा है तो नहीं लेना. ठीक है हो गया आप सभी का? सर आर्बिट्रेशन नहीं मिला. सर दो मिनट बस. ठीक है टू मोर. सर अब हो गया. हो गया आर्बिट्रेशन मिलेगा टेप 4.1.522 में. ठीक है चलिए ये दोनों आपने लिख लिए ना मैं शेयर करता हूँ डीडीसी आपके साथ. सबसे फर्स्ट जो था वो कौन सा था? लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन इन इंग्लैंड. लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन इन इंग्लैंड. सर मैं पहले बताऊँ इसका मेरा क्या है? हाँ बताइए. 3.46.43 ओके. और किसी का? 3.41 सर मैं बताऊं वो उनकी सर मेरा है 3.47 जीरो सॉरी थ्री इंग्लैंड का नंबर 4209 और एक दूसरा वाला 347 किसी इसी का है? हाँ इसी का है बस ये बीच में 362 आ गया है. 3.47.362 किसका है? अब वही जो मैं पूछ रहा था. एंशिएंट इंग्लैंड नहीं. एंशिएंट इंग्लैंड नहीं आएगा सुरेंद्र. अगर स्पेसिफिकली नहीं लिखा है तो फिर नहीं आएगा. हां तो सेकंड वाला ही रखिए मेरा तो. हां तो वो नहीं आएगा ये सेकंड वाला. सेकंड सेकंड एग्जांपल क्या आपका सर? सेकंड में सर लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन इन इंग्लैंड. हां और सेकंड वाला? सेकंड वाला कुछ लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया. टॉर्ट्स इन इंडिया. लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया. ओके सर मेरा आंसर सेकंड वाला है. आपका इसमें 3.47.4209 ओके. और बस यही सर मेरा भी मेरा सिक्स नहीं.
सभी का बल क्या इनमें से कोई आया है आर्बिट्रेशन नहीं मुझे मिलना नहीं है फर्स्ट वाला मुझे मिला ही नहीं है ठीक है सर मैं बोलूं हाँ बोलिए 341 3 4 2 4 2 0 5 2 2 0 5 2 2 सर मेरा है 347 3 4 7 point 4 2 4 2 0 9 0 9 सर फर्स्ट वाला मेरे को नहीं मिला सर सेकंड वाला नंबर बताते 3 नहीं अभी ये फर्स्ट वाला ही कर ले करेंगे हम फिर उसके बाद सेकंड वाला लेते हैं ठीक है ठीक है इतना ही नंबर बने ना सभी के ओके सबसे पहले सर अभी दो मिनट मेरा मिल गया है मैं बना लूं सर अभी आर्बिट्रेशन मिल गया 341.4352 एक मिनट 341.4352 सर मेरा है 347.42 0 2 6 0 2 6 ठीक है सबसे पहले क्या था 346 और 347 है 346 देखते हैं पहले क्या है सर मेरा जो फोर्थ नंबर पे नंबर बना है ना सर आप वो मतलब डिलीट कर दीजिए वो नंबर गलत बना है थी मेरा फोर्थ नंबर पे हाँ सर 341.42052 जो है वो गलत है हाँ सर आई थिंक ये गलत है ठीक है ठीक है चलिए 346 से चेक करते हैं पहले 346 346 ये रहा 346.43 4 तो है ही नहीं सर है ना 4 कहाँ है 4 नीचे में तरफ है 346.4 346.4 कहाँ है आई थिंक मैं 0 लगाना भूल गई 0 भूल गए जीरो भूल गए फिर भी यहाँ पे तो रियल प्रॉपर्टी है हाँ सर तो आर्बिट्री मतलब तो समझौता कराना ना तो प्रॉपर्टी है नहीं नहीं ऐसे नहीं पर समझौता कराना समझौता प्रॉपर्टी का ही नहीं होता है सर प्रॉपर्टी के लिए तो लोग एक दूसरे का सर भी फोड़ देते हैं सर तो उन्हीं के लिए समझौता कराना ये नहीं है वो केवल प्रॉपर्टी रियल प्रॉपर्टी वो रियल प्रॉपर्टी का हाँ आर्बिट्रेशन लिखा हुआ होगा वहाँ पे मीनिंग क्यों निकाल देखिए आर्बिट्रेशन 347 में है 347 पॉइंट सर जो मतलब सबने बताया मैंने 0.411 सर 09 में है 347.9 में 09 347.09 इसमें एरिया कोड ऐड करना है ठीक है ये है तो यानी आपका आर्बिट्रेशन का नंबर बना है 347.09 ओके 411 भी कुछ बोल रहा था ना क्या बोल रहे थे 41 कुछ नहीं है 09 है ठीक है तो अब फिर से हमारा रूल वही लागू होगा रूल क्या लागू होगा 34 हमारा बेस नंबर है उसके बाद ब्रांच हमारा क्या आएगा 6
ठीक है, उसके बाद हमें देश का नंबर लगाना है, इंग्लैंड, इंग्लैंड का नंबर क्या है 4-2 है ना, और उसके बाद 09 क्योंकि ये 7 ही है ना, ब्रांच देखिए 7 तो है कहाँ सर, 4-3-4-7 अच्छा दिख गया, सॉरी सर दिख गया, हाँ सर ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसने क्या क्या गलतियां की है, देखो ये सही है, ये 026 क्यों ऐड किया है पीछे, 026 लॉ के लिए, तो इन लॉ का तो है ही, लॉ के लिए अलग से 026 ऐड करने की जरूरत नहीं है, इतना ही सही है ठीक है। सर जो ये आर्बिट्रेशन के नीचे एक इंस्ट्रक्शन आप वो समझा सकते हैं एक बार प्लीज, एड इज इंस्ट्रक्टेड अंडर 026 3422 347 में इसके और एक्सटेंशन की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो वहां पे इसके और एक्सटेंशंस दिए हुए हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, जो 3422 347 में है, 3422 347 का मतलब ये 342 से लेके 347 में कुछ सर्च करना है ऐसा नहीं है, जहाँ पे 342 शुरू हो रहा है वहां पे इसके एक्सटेंशन है, 026 है, 0262 है, 0263 है, इस तरह से कुछ है, जो मैंने शायद बताए भी थे, जो कोर्ट्स वाला एक एग्जांपल बताया था ना उसमें बताया ठीक है। और ये जीरो यहाँ ये तो ठीक है अलग गलत ही है, यहाँ 40 ये तो सही है, 4209 ये भी सही है, ये तो सेम है, यहाँ पे तो ये मेन क्लास ही 42026 यहाँ पे गलत है ठीक है, 09 आएगा ठीक है। सर वो मैं जो बोल रही थी ना 11 वो उसके नेक्स्ट आप आगे जाएंगे ना पेजेस पे तो वहां पे कहीं पे मैंने ऐसा पढ़ा था सिविल प्रोसीजर एंड कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड, तो मैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी सर, बट आर्बिट्रेशन ही अलग से ढूंढना था। सर इंग्लैंड का नंबर दिया नहीं है उसमें, इंग्लैंड का नंबर टेबल 2 से लेना है, टेबल 2 हाँ मुझे पता है सर, लेकिन इंग्लैंड का नंबर उसमें नहीं दिया है, ब्रिटेन दिया होगा ना, आप 4 में जाओ फिर 4 में 4-2 देखिए, 4-2 देखिए क्या नंबर दिया है, इंग्लैंड एंड वेल्स, हाँ ठीक है ये आ गया समझ में आप सभी को। देखिए एक चीज यहाँ पे कॉमन जो मिस्टेक मुझे लगी कि लॉ के लिए सबने 026 यूज कर लिया है, 2-3 लोगों ने 026 केवल लॉ है तो यूज नहीं करना है, लॉ का तो हमारा मेन ब्रांच ही है, मेन 3-4 जो है वो उसका मतलब ही लॉ है, तो लॉ को ऐड करने के लिए 026 ऐड करने की जरूरत नहीं है वहां पे, हालांकि दिया हुआ है लॉ लेकिन लॉ के लिए आपको 026 नहीं ऐड करना है, 3-4 का मतलब ही लॉ है, लेकिन सर इसमें इंग्लैंड का कह रहा है तो इंटरनेशनल लॉ भी तो ले सकते हैं ना, क्या इंटरनेशनल, हाँ इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ जो होता है ना वो जैसे मैंने पहले भी कहा इंटरनेशनल लॉ में किसी पर्टिकुलर कंट्री का नंबर नहीं होगा, इंटरनेशनल लॉ में भी आर्बिट्रेशन मिलेगा आपको yes, सर, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में जो आर्बिट्रेशन होगा वो दो देशों के बीच में होगा, उसमें कोई एक देश का नाम नहीं आएगा ठीक है, अगर वहां पे इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन आया तो फिर आपको इंटरनेशनल लॉ में जाना है, वहां पे एक देश का नाम नहीं होगा ओके सर ठीक है, इंटरनेशनल लॉ का मतलब ही ये है कि किसी भी देश का नाम नहीं होगा और होगा तो एक से अधिक देशों का नाम होगा। सर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, इसके अंदर अगर लिखा होता कि लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन ये क्या कहते हैं रेगुलेशन इन इंग्लैंड, तो हम 042 में जीरो ये सॉरी 342 से लेकर 347 में जो हमारा क्या कहते हैं जो दिया हुआ है उसके अंदर 02632 वाला यूज करेंगे, हाँ वहां पे दिया है अगर रेगुलेशंस लिखा है तो फिर आप उसमें 026 वाला वो ले सकते हो, हाँ उसके अंदर लिखा है कि लॉ एंड रेगुलेशंस, हाँ तो वो आप ले सकते हो रेगुलेशंस के लिए ठीक।
ठीक है, केवल अगर लॉ है ना तो उसके लिए फिर वहां पे 026 में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आर्बिट्रेशन कोर्ट्स इन इंग्लैंड होता तो फिर आप फिर से 026 में चले जाते कोर्ट्स के लिए। ठीक है ओके, ठीक है तो इसको मैं हटा रहा हूँ। फिर इसके बाद अपना हमारा नेक्स्ट कौन सा था? लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, इसका क्या बना सर? मेरा इसका बना है 3.0346. एक एक बोलो, एक एक बोलो सर। मैं बोलूं पहले? हाँ बोलो बोलो। 3.0346. यस सर। 034 कहाँ से लिया है सर? इंडिया का नंबर है सर। इंडिया का नंबर 034 वो एंशिएंट इंडिया है। इंडिया का नंबर 54 है। सॉरी सर। हाँ सर, मेरा लिखिए 3.0346 यस सर। 054 के बाद 03 यस सर। यस सर, मेरा भी सेम है। सर, मेरा जिसका अलग है केवल वही बोलो, जिसका सेम है वो केवल उससे वेरीफाई कर लेना। अगर वो सही है तो सब भी, जिनका ये नंबर है वो सभी का सही है। ठीक है सर, मेरा भी सेम ही है। हाँ तो सेम है वो मत बोलिए, अगर इनसे अलग कोई नंबर है तो वो बताइए। ओके सर। ठीक है, सबका यही है ना? ठीक है, इन दो में से ही सभी का है। तो देखते हैं, तो 346.346 347 है ना? 346 ये रहा, यहाँ पे देखिए टॉर्ट्स है यहाँ पे। ठीक है, ये है टॉर्ट्स। टॉर्ट्स का नंबर क्या बन रहा है? 346.03 टॉर्ट्स का नंबर बन रहा है। तो हमारा रूल्स क्या है? 34 बेस आएगा, फिर ब्रांच आएगी, ब्रांच है 6, फिर कंट्री का नंबर आएगा जो है 54, फिर सब डिवीजन आएगा जो है 03। तो आपका नंबर क्या हो गया? 346.5403। ये वाला जो है सेकंड है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे 054 क्यों लिखा है? ये किसका नंबर है सर? मैंने वैशाली। हाँ, क्यों, क्या गलती है आपकी यहाँ पे? क्यों सर, टेबल टू में तो लिखा हुआ है सर कि आपको जब भी नंबर ऐड करना है तो उसमें जीरो लगाना पड़ेगा। टेबल टू क्यों पढ़ रहे हो? टेबल टू को मत पढ़िए आप। यहाँ पे मैंने आपको जो रूल बताया ना, उन रूल्स को मैंने ये कहा था ना, लिख लो इसको। अब हर जगह इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना होता है, जहाँ पे दिया हुआ है आपके शेड्यूल में जो इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है आपको। ओके सर। ठीक है, वहां पर कोई, हाँ ये देख लो, फिर भी अभी भी देख लो रूल। 3-4 आपका यानी बेस आएगा, बेस के बाद आपकी ब्रांच आएगी, ब्रांच के बाद आपका कंट्री का नंबर आएगा, कंट्री के बाद आपका सब डिवीजन आएगा। यही इसका रूल है लॉ का, सिंपल। कोई ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। ओके सर। ठीक है, क्लियर। टोर्स कुछ दिया है, वो क्या है? हाँ, टोर्स के नीचे कुछ दिया है, क्लास रेमेडीज, क्लास ईयर डिफेंसेस, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज फॉर टॉर्ट्स ऑफ अदर्स एम्प्लॉइज, इस तरह के भी जो नंबर हो वो भी इसमें ही डाल देना है, ऐसा है। ओके, नीचे लिखे क्लास रेमेडीज। क्लास रेमेडीज, रेमेडीज इन 347.077। ठीक है, रेमेडीज अगेंस्ट टॉर्ट्स, अगर ऐसा कोई बुक का नाम हो तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो उसके लिए 347। ओके, क्लियर ये सभी को? यस सर। हाँ सर, हाँ सर, ये क्या कहते हैं, सब तो क्लियर हो गया सर। सबके मन में एक डाउट है, तो मैं क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं मतलब बोलता हूँ। बोलिए बोलिए। तो क्या कहते हैं, जैसे अगर हमारे इसमें लिखा होता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स रेगुलेशन इन इंडिया, ठीक है, इसको आप तोड़ के बता देते सबको तो शायद वो 026 वाला क्लियर हो जाता, मतलब जो नहीं समझ पा रहा है अभी भी। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स रेगुलेशन नहीं होगा वो, अगर बुक हुई ना, हाँ, तो उसका नाम ये होगा रेगुलेशन ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया। हाँ हाँ, मतलब बताने में, तो अगर ये है तो देखिए रेगुलेशन का नंबर क्या बन वहां पे है? 026
उसके साथ कुछ और होगा, बस इतना ही है। नहीं नहीं आगे और है सर, अभी मैं पहुंचता हूँ। ये क्या कहते हैं रेगुलेशन का है सर 0263। हाँ ठीक है, ये है रेगुलेशंस का। हाँ अब अगर आपको इसका नंबर बनाना है तो हमारे रूल्स क्या कहते हैं, सबसे पहले हम ब्रांच को यानी बेस को ऐड करेंगे जो है 3-4, उसके बाद हम ब्रांच को ऐड करेंगे जो है 6, ठीक है, उसके बाद हम कंट्री का नंबर ऐड करेंगे जो है इंडिया का नंबर 5-4, ठीक है, उसके बाद हम ऐड करेंगे सब डिवीजन जो है 0-3, ठीक है। अब 0-3 पे जब हम आएंगे यहाँ पे आपको एस्ट्रक साइन दिखेगा और उस एस्ट्रक साइन को जब आप फॉलो करेंगे तो आपको 0-2-6-3 मिलेगा, उससे पहले तो कहीं मिलने से रहा वो, तो इस तरह से आपका नंबर बनेगा। तो आपका नंबर होगा 3-4-6.54-0-3-0-2-6-3, ठीक है, ये आपका नंबर होगा। सर स्पेस देना जरूरी है ना? सर स्पेस देना तो जरूरी होता है वैसे? नहीं जरूरी नहीं होता है, लेकिन ठीक है दे दीजिए तो भी चलेगा। आर्बिटरी वाले का कोई फोटो भेज देंगे क्या, मैं पिक नहीं ले पाई थी। नंबर ही लिख के भेज देते हैं ना सर। 0263 रेगुलेशन का हुआ क्या? हाँ 0263 रेगुलेशन का है, और वो कहाँ से आया है, वो 263 3 3 4 2 से लेके 3 4 7 वहाँ के रेगुलेशन वहाँ पे दिया है, यानी 3 4 2 जहाँ शुरू हो रहा है ना वहाँ पे दिए हुए हैं 0-2-6 के एक्सटेंशन। सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, मैंने मिस कर दिया ये। देखिए यहाँ पे इन ये एग्जांपल क्या बना है, रेगुलेशन इन टॉट्स इन इंडिया, तो टॉट्स के लॉ के अंदर कुछ रेगुलेशंस आ रहे हैं उसके बारे में ये बुक है। तो अगर रेगुलेशन का नंबर हमें एक्सटेंशन से मिला 3-4-2-2-3-4-7 में 0-2-6-3, ठीक है, अब इसको हमें इसमें कैसे ऐड करेंगे, उसमें फिर से हम हमारा रूल्स वही लगाएंगे। सबसे पहले बेस, बेस के बाद हमारा ब्रांच, ब्रांच के बाद देश का नाम नंबर, देश के नंबर के बाद सब डिवीजन जो कि 3-0-3 है यहाँ पे, ठीक है। अब इस सब डिवीजन पे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट साइन दिख रहा है, और एब्स्ट्रैक्ट साइन में लिखा है कि एड इज इंस्ट्रक्टेड अंडर 3-4-2-2-3-4-7, तो वहां पे 3-4-2 में जब आप जाओगे तो वहां पे 0-2-6-3 जो है वो रेगुलेशन का नंबर दिया हुआ है, वो आप यहाँ पे ऐड कर। कहाँ लिखी हुई है? नीचे नीचे पेज के नीचे देखिए यहाँ पे। सर रेगुलेशन का नंबर किस पेज नंबर में है? यहाँ पे जाइए 3-4-2 जहाँ पे शुरू हो रहा है ना वहाँ पे जाइए, वहाँ पे 2-0-2-6 के एक्सटेंशन दिए हुए हैं, जहाँ पे 3-4-2 शुरू हो रहा है वहाँ पे। इस नंबर है 3-3-2। सर तो हम लोग को पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा 3-4-2 से 3-4-7 तक के भी है। 3-4-2-2-3-4-7 लिखा है, मतलब वहाँ पे 3-4-2-2-7-3-4-7 में वो यूज हो सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको 3-4-2 जहाँ शुरू हो रहा है ना वहां पे ही जाना है केवल आपको, 3-4-2 जहाँ शुरू हो रहा है वहां पे जाइए। सर पे 3-4-7 का क्या होगा? नहीं ये रेगुलेशन जो है ना, ये 3-4-2-2-3-4-7 मतलब है कि ये रेगुलेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये 3-4-2-2-3-4-7 में यूज होते हैं ये रहे। अच्छा सर मतलब ये टाइम है। और ये देखिए यहाँ पे लॉ एंड ये रेगुलेशन लिखे हुए हैं, लॉज रेगुलेशन ठीक है 0-2-6-3। वो जो आप लोग बार बार जो क्वेश्चन 0-2-6 जो 0-2-6 बार बार पूछ रहे थे ना, ये वाला क्वेश्चन उसी लिए है कि वो डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे कैसेस इन टॉर्ट्स, अगर रेगुलेशन की जगह कैसेस इन टॉर्ट्स आता है, कैसेस इन टॉर्ट्स इन इंडिया, तो आप लास्ट में ये लगा दो, ठीक है। रिपोर्ट आता है तो आप ये लगा लोगे, जो भी इसमें आ रहा है वो आप लगा लोगे इन शॉर्ट, ठीक है क्लियर? हाँ सर क्लियर है। अब होमवर्क है आपके पास, हटा दूं मैं इसको सर, होमवर्क दे दीजिए बहुत सारा सर, बहुत सारा नहीं दे रहा हूँ 5 दे रहा हूँ, कल हमें कुछ और भी सीखना है।
सर 0263 में तो लॉज एंड रेगुलेशंस दोनों दिए हुए हैं ना. हाँ तो लॉज के लिए तो आपको कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, रेगुलेशन का ही नंबर आपको लेना है. ठीक है ना, लॉ का मतलब 3-4 में है, मतलब लॉ तो उसका ऑटोमेटिकली लॉ मीनिंग तो बन रहा है. ओके ठीक है सर, 4 दिन से क्लास नहीं डाली है सर यूट्यूब पे. किसके सर? वो यूट्यूब में क्लास नहीं डाली है. हाँ वो मैं ऐड कर दूंगा कल परसों. ठीक है ये देखिए, ये आपके एग्जाम्पल, ये कुछ होमवर्क है कल के लिए, ये केवल लॉ के ही दिए मैंने अभी. ठीक है और ये कल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम फिर लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज के एग्जाम्पल लैंग्वेज में पहुंच जाएंगे. सर एग्जाम्पल ही सॉल्व करने में सारा टाइम जाएगा. हाँ अगर ये 5 में बहुत सारे, मुझे नहीं, आई होप के बहुत सारे डाउट ना हो. बहुत सिंपल रूल है, कुछ दिमाग नहीं लगाओ आप, केवल इतना याद रखो कि बेस नंबर ठीक है प्लस ब्रांच प्लस कंट्री प्लस सब डिविजन. ठीक है और ये कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, जो पर्सनल यानी किसी कंट्री का जहां पे नाम है तो. और ये एप्लीकेबल होता है 3422-348 में. ठीक है इसके बीच का कोई भी नंबर बन रहा है तो आपको ये रूल एप्लीकेबल होगा, यूज करना है. सर 349 वाला आ गया तो कैसे करेंगे? 349 का आ गया तो फिर ये रूल यूज नहीं करना है आपको, उसमें जैसे डायरेक्ट नंबर बनते हैं वैसे बनाना है. ओके सर ठीक है. 341 का भी आया तो डायरेक्ट बनाना है वहां के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके, ये वाला ब्रांच वाला ये वाला रूल फॉलो नहीं करना है. बाकी 3422-348 में कोई भी नंबर बन रहा है तो ये वाले रूल फॉलो करना है. लव आर्बिट्रेशन इन इंग्लैंड का कोई क्लास नंबर मैसेज में सेंड कर दो एक बार प्लीज. सर आपने क्या बताया, ये 342-348 के अलावा अगर बेस नंबर हो तब क्या करना है? 349 का अगर कोई एग्जांपल है या फिर 340 और 341 का कोई एग्जांपल है तो डायरेक्ट उनको बनाना है, ये रूल फॉलो नहीं करना है. वहां पे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए रूल ये बनाना है नंबर, जैसे हम बाकी में करते हैं. हाँ जैसे हम बाकी में करते हैं वैसे. लेकिन 342 से 348 में कोई नंबर बन रहा है तो यही वाले रूल फॉलो करते हैं. सर ये रूल कहीं डीडीसी में एक्सप्लिसिटली लिखा है किसी? हाँ लिखा है ना, 340 में लिखा हुआ है ये रूल. ओके ओके लिखा हुआ है तभी हम यूज कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से तो कुछ यूज कर ही नहीं सकते यहाँ पे, है ना. जो लिखा हुआ है रूल्स है एक्सप्लेन किया हुआ उसी को हम यूज कर रहे हैं. सर आपके नॉलेज में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको क्या कहते हैं कोई कॉलेज वाले क्या कहते हैं मतलब इंटर्न करने से मना कर रहे हो? नहीं आज हमारे एरिया में भी परमिशन नहीं मिल रहा है. तो देखिए अगर इंटर्न के लिए परमिशन नहीं मिल रहा है ना तो उसका एक अल्टरनेटिव है सर्वे, वो आप कर लीजिए. नहीं वो तो सर मेरे कॉलेज वालों ने क्या कहते हैं कहा है कि हम कि अगर 10 बच्चे हो तो हम करा देंगे. लेकिन दूसरी चीज की क्या कहते हैं, मैं जिस जगह रहता हूँ और मेरा जो कॉलेज है वो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, तो डेली संडे तो मैं जाता हूँ क्लास करने. लेकिन ये कि मैं जिस वो क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, अपने यहाँ एक मतलब कॉलेज में गया, मतलब अच्छा कॉलेज है सरकारी है, तो क्या कहते हैं उन्होंने कहा कि वो मतलब पिछले 2 बार से मैं जा रहा हूँ, पिछले 2 बार से वो कह रहे हैं कि आ जाओ कल आओ, मतलब बार बार टाल रहे हैं सर. ऐसा कुछ मतलब ये है ना, देखिए एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये है क्योंकि इसको इग्नू उन्हें कंपेल नहीं कर सकता है. हाँ. वो एक्चुअली वो इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही है. जबकि इग्नू एक ऐसा पोर्टल बना रहा है जहाँ पे लाइब्रेरीज अपनी विलिंगनेस दे सकती है और वहाँ पे जब जाएंगे स्टूडेंट तो वो स्टूडेंट्स को मना नहीं करेंगे. लेकिन अब वो कब पोर्टल तैयार होगा क्या होगा पता नहीं. जैसे आरसी जम्मू के साइड पे उन्होंने साफ साफ दे रखा है कि आप जो है फलाना फलाना जगह कर सकते हैं. लेकिन ऐसे बाकी जगहों मतलब बाकी आरसी सब जगह नहीं है. सर हमारे आरसी वाले तो बोलते हैं कि आप सिर्फ
AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से ही कर सकते हैं और कहीं से भी नहीं कर सकते। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। FOP और सर जब हमने हमारा ग्रुप तो उसी दिन बना दो तीन दिन पहले, तो सर अगर मैंने जब बोला ना कि हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं इंटर्नशिप के SOP में लिखा है, तो बोलते हैं डू इट एट योर ओन रिस्क, RRC इग्नू डो नॉट वॉन्ट टू ट्रबल देयर स्टूडेंट, तो आपको अपने रिस्क पे करना है। सर आप बताइए हम लोग क्या करें। नहीं नहीं कहीं से भी कर सकते हो आप, AICTE से एफिलिएटेड केवल इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं। वही ना सर परमिशन नहीं दे रहे सर। सर SOP में लिखा है ना कि हमारी 5000 से ज्यादा बुक होनी चाहिए किसी भी लाइब्रेरी में हम करते हैं, और जो लाइब्रेरी को फॉलो कीजिए ना, SOP को फॉलो कीजिए और क्या है। सर एक क्वेश्चन था, कोई प्लीज SOP भेजेगा, मेरे पास थी बट वो PDF और नहीं मिल रही है, अगर किसी के पास है तो प्लीज भेज दीजिए। जो न्यू आया है ना वो ज्ञान कोश पे है, उसमें और सारे लिखे हुए हैं कि क्या क्या करना है। सर एक्चुअली क्वेश्चन था जो हमारी इंटर्नशिप है 3 months वाली, तो सर उसमें हम रिपोर्ट कितने पेजेस की बनाएंगे उसके अंदर। वो अब 1 month हो गई है जो इंटर्नशिप, अब शायद 3 months नहीं है। अरे 1 month हुई थी ना तब मैं ऑलरेडी अपना 1 month मतलब वो मैं अपना स्टार्ट कर चुकी थी इंटर्नशिप, और जो मैं अपने कॉलेज में ना वहाँ पे लिखवा दिया था 3 months का। यस सर मेरे साथ भी यही केस हुआ, लेकिन सर हमारे RC वाले बोलते है की आप इंजीनियरिंग कॉलेज से ही कर सकते, तो सर मेरा पूरा 3 महीने का मेहनत वेस्ट जाने वाला है। नहीं नहीं कुछ वेस्ट नहीं जाएगा, आप रिपोर्ट बना के सबमिट कर दो, बस उनके SOP के अकॉर्डिंग वो सही होना चाहिए बस। ओके सर। सर रिपोर्ट कितने पेजेस की होगी? रिपोर्ट जो वो कुछ पेजेस नेचर में उसमें है नहीं, आपके कितने दिन में कितना काम किया है बस उसी के ऊपर है, वहाँ के जो सुपरवाइजर वहाँ पे होना चाहिए उनकी साइन होना चाहिए बस। सर एक चीज और वो लोग बोल रहे थे हमारे RC वाले कि वो जो लाइब्रेरी है ना वो AICTE अप्रूव्ड होती है। लाइब्रेरी को कभी कोई AICTE अप्रूवल नहीं देती है। ये खुद हमारे RC वाले बोल रहे हैं। AICTE आप आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज में चले जाओगे वहाँ कहाँ AICTE होती है। वही तो सर, ठीक है ना, मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे तो वहाँ कहाँ AICTE होती है सर। और ना कुछ पूछने पे सर ऐसा करते है हेडक्वार्टर भगाएंगे, हेडक्वार्टर वाले बोलते है RC मतलब करे, तो सर उससे ना बहुत दिक्कत जा रहा है सर। वो आपका जो SOP है ना उसमें 3 जगह लिखा हुआ है, आपको स्टडी सेंटर पे भी देना है एक पैराग्राफ में लिखा है, एक पैराग्राफ में लिखा है RC पे देना है, एक पैराग्राफ में लिखा है हेडक्वार्टर पे देना है। वो सर जो न्यू SOP आया है ना उसमें सिर्फ RC में ही देना है, एक ही रिपोर्ट देनी है। नहीं 3 अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह लिखी हुई है नई वाले। सर एक नया भी SOP आया है अभी कुछ दिन पहले। अच्छा तो वो मैंने नहीं देखा, ये क्योंकि गलतियां अपनी रेक्टिफाई करते रहते हैं और बाद में शायद नई चीजें देंगे, क्योंकि नया है ना, इग्नू के लिए भी ये नया है। तो फिर सिर्फ स्टडी सेंटर पे ही देना है या फिर रीजनल सेंटर पे? नहीं केवल रीजनल सेंटर पे देना है RC पे। सर लेकिन RC क्या सर वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग को अपना वर्क बुक मैदान खड़ी भेजना पड़ेगा दिल्ली जो है। एक्चुअली सर मैं इस बारे में कुछ बोलना चाहूंगी, कंफ्यूजन सभी के ऊपर, सभी के दिमाग में कंफ्यूजन है ना, RC क्लियर है ना स्टडी सेंटर क्लियर है, और शायद नहीं सर हमारे वाले जो काउंसलर है उन्होंने कहा कि पहले आप जो है पहले आप कॉलेज में जमा कीजिए, फिर उसके बाद हम इसको भेजेंगे रीजनल सेंटर पे, मतलब कि जो BHU है मतलब बनारस, फिर वो भेजेंगे क्या कहते हैं मैदानगढ़ी। वो भेजते भेजते तो 1 साल हो जाएगा, फिर आप उनको भेजो वो उनको भेजोगे, इससे अच्छा 3 जगह एक साथ भेज दो। अच्छा आप कब, उन्होंने ऐसा ही बताया, आप स्टडी सेंटर को दोगे, स्टडी सेंटर कब रीजनल सेंटर को भेजेगा, रीजनल सेंटर कब वहाँ भेजेगा, इसका सॉफ्ट कॉपी भेजना होगा सर या फिर हार्ड कॉपी। सर मुझे बस एक ही चीज पूछना था आपसे लास्ट, सर ये जो इंटर्नशिप का नंबर वगैरह रहेगा ये हमारे RC के हाथ में है कि ये इग्नू के हाथ में है, मतलब कि जो दिल्ली वाला है? ये अभी तक मैं भी क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि इसका जो वाइवल इसमें है ना, देखिए कुछ मार्क्स जो होते हैं वो आपका सुपरवाइजर देंगे, ठीक है, और कुछ मार्क्स जो होते हैं वो वाइवा के ऊपर बेस होंगे, तो वाइवा कौन लेगा उस पर डिपेंड करता है, अगर वाइवा दिल्ली वाला सेंटर लेता है तो उनके हाथ में होंगे, अगर रीजनल सेंटर लेगा तो उनके हाथ में होंगे। अगर वो हमारा RC तो रायपुर है तो हम लोग का कौन देगा, हमारा तो RC वाले ही लेंगे। हाँ, तो वो लोग तो सर अपना ही नियम बना रहे हैं, अब हम क्या करें सर, बहुत दिक्कत है।
अब इस चीज में क्या, इसमें वाइवा नहीं होगा ऐसे पैसों की, मैं तो यही लिखा हुआ है वाइवा ना कैंसिल हो गया है सर, आप केवल ना रिपोर्ट रिपोर्ट के मार्क्स इसमें सर जो आप बता रहे थे ना जो सुपरवाइजर हैं वो 30% मार्क्स देंगे और जो बाद में हम जहां भेजेंगे वहां रीजनल सेंटर पे वहां 70% मार्क्स इवैल्यूएट होके उसमें से नंबर मिलेंगे। हां तो फिर हो गया, फिर तो वाइवा हट गया तो अच्छा है ना फिर। और इसका रिपोर्ट सर रीजनल सेंटर पे ही भेजना है। ये बात चल रही है तो वो जो असाइनमेंट है उसमें भी मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि उसको स्कैन करके हम ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, तो क्या होता है वो तो स्टडी सेंटर डिसाइड करेगा ना, कुछ स्टडी सेंटर अलाउ कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज कुछ बोल रहे हैं कि हमें हार्ड कॉपी ही चाहिए। बड़ौदा सेंटर अलाउ करता है? नहीं करता। यस सर, मेरा पटना सेंटर है, हम लोग गए थे स्टडी सेंटर तो पता चला कि स्कैन करके भेजना है तो हम भेज दिए हैं। वो सभी इस सेंटर का अलग अलग है, कुछ करते हैं कुछ नहीं।